अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। शॉपिफाई कंप्लीट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट कोर्स में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस कंप्लीट कोर्स के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे रिलेवेंट टू द शॉपिफाई। बट बिफोर स्टार्टिंग दैट, मैं अपने बारे में कुछ बता दूँ। मेरा नाम एहसान दानिश है, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, और मैं पिछले 4-5 सालों से शॉपिफाई के ऊपर काम कर रहा हूँ डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट के रेलिवेंट। और डिफरेंट क्लाइंट्स मैंने डील किए हैं, जिनको मैंने डिफरेंट प्रोफेशनल स्टोर्स डिज़ाइन और डेवलप करके दिए अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। इसके अंदर जनरल स्टोर्स भी शामिल थे और इनके अंदर ड्रॉप शिपिंग स्टोर्स भी शामिल थे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के अबाउट बात करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, स्टे विद मी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम स्पेसिफिकली बात करेंगे इस कंप्लीट कोर्स की आउटलाइंस के अबाउट, कि इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलेंगी और एट द एंड आप किस काबिल होंगे इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद। तो चले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि कोर्स आउटलाइंस क्या हैं हमारे इस कोर्स से रिलेवेंट। हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पर मैंने कुछ जो हैं वो कोर्स की जो आउटलाइंस हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। सबसे पहले हम कुछ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, जो कि यहाँ पे है, और उसके बाद फिर हम कंप्लीट डिटेल के अंदर शॉपिफाई के ऊपर साइन अप करेंगे, उसका इंटरफेस देखेंगे बेसिकली, और उसके प्राइसिंग प्लान्स के अबाउट बात करेंगे। उसके बाद जो है हम यहाँ पे कंप्लीट जो शॉपिफाई का डैशबोर्ड है उसके अंदर जितने भी ऑप्शंस है, ऑर्डर, प्रोडक्ट, कस्टमर, एनालिटिक्स और जितने भी और ऑप्शंस मौजूद है सेटिंग्स के अंदर, वो सारी चीज़ें हम डिटेल के अंदर देखेंगे यहाँ पे, राइट। उसके बाद हमारे पास हम एक कम्प्लीटली स्टोर डिज़ाइन करेंगे, डिफरेंट स्टोर्स डिज़ाइन करेंगे पेड और फ्री थीम्स को, बोथ को यूज़ करते हुए। और मैं आपको बताऊंगा कि कस्टमाइजेशन किस तरह से होती हैं शॉपिफाई स्टोर के अंदर, किस तरह से आप अपने डिज़ायर्ड जो है रिक्वायरमेंट्स उसके मुताबिक स्टोर डिज़ाइन कर सकते हैं, राइट। उसके अलावा हमारे पास फिर हम बात करेंगे शॉपिफाई ऐप्स के अबाउट, शॉपिफाई ऐप्स क्या होती हैं, किस तरह से उनको इंस्टॉल करते हैं, किस तरह से उनको सेटअप करते हैं, ये सारी चीज़ों के अबाउट मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद हमारे पास शॉपिफाई की कंप्लीट सेटिंग्स हैं, क्या क्या सेटिंग्स हैं उनके अंदर, क्या क्या ऑप्शंस हैं, उन सारी सेटिंग्स को हम बहुत डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। और लास्टली बट नॉट लीस्ट, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसके अंदर मैं इतना एक्सपर्ट तो नहीं हूँ शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग के अंदर, बट इन चीज़ों को मैं आपको बहुत ही थॉरली करवाने वाला हूँ, क्योंकि मेरा काम डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट के रेलिवेंट है। बट मैंने सोचा कि इसके अंदर आपको शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग के अबाउट भी बहुत अच्छा आइडिया दे दूँ कि एक्चुअल में ड्रॉप शिपिंग किस तरह से काम करती है, किस तरह से नहीं होती। और ये जो पोर्शन होगा शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग का, ये बिल्कुल बेसिक होने वाला है। इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रैटेजी नहीं है, सिर्फ बेसिक चीज़ें हैं जिसके अबाउट कोई भी न्यू भी इस अबाउट जान सकता है कि शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग क्या है, कौन कौन से टूल्स उसके लिए यूज़ होते हैं, कौन सी ऐप्स यूज होती हैं, उन ऐप्स का इंटरफेस क्या है, उनको कैसे यूज करते हैं, इन सारी चीजों के अबाउट मैं आपको इसके में आपको कंप्लीट गाइड करूंगा। तो आई होप आपने देख ली जो आउटलाइंस हैं इस कोर्स के अंदर हम करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और उसके अंदर हम नए टॉपिक के अबाउट बात करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि बेसिकली इस कोर्स को कौन लोग ज्वाइन कर सकते हैं, किन लोगों के लिए कोर्स है। तो बेसिकली ये एब्सोल्यूट बिगनर्स के लिए कोर्स है, जो लोग अपने करियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं एज अ शॉपिफाई डिज़ाइनर या डेवलपर, और अपने क्लाइंट्स के लिए स्टोर डिज़ाइन एंड डेवलप करके देना चाह रहे हैं, और उन्हें नहीं पता किस तरह से शॉपिफाई पर स्टोर डिज़ाइन होता है, डेवलप होता है, और बाकी सेटिंग्स किस तरह से की जाती हैं शॉपिफाई के ऊपर। तो इस कोर्स के अंदर उनको तमाम ए टू जी सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। अगर आप इस कोर्स को स्पेसिफिकली शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग के लिए ज्वाइन कर रहे हैं तो ये कोर्स आपके लिए नहीं है। बट इस कोर्स के अंदर मैंने जस्ट बेसिक शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग का जो मैकेनिज्म है, उसके रेलिवेंट जो जो टूल्स यूज होते हैं, जो जो एप्स यूज होती हैं, उन सारी चीज़ों के अबाउट मैंने इस कोर्स के अंदर आपको बताया है। बट वो भी अलॉट है अगर आप उसको फॉलो कर लें, और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो आई होप आपको समझ आई होगी कि ये कोर्स कौन ज्वाइन कर सकते हैं। और ऑब्वियसली बात है, आपके पास एक लैपटॉप और एक इंटरनेट कनेक्शन होना लाजमी है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और मज़ीद स्टार्ट करते हैं शॉपिफाई के अबाउट प्रैक्टिकली लर्न करना। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि शॉपिफाई का इंटरफेस किस तरह से है, उसके अबाउट बेसिक्स से जानेंगे, और शॉपिफाई को स्टार्ट करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उनके बाद बात करेंगे। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं।
तो हम सिंपली चल देते हैं shopify.com, ये बेसिकली ओरिजिनल URL है, और यहाँ पे हमारे पास जो है Shopify का इस तरह से कुछ इंटरफेस हमारे पास नज़र आ रहा है, राइट। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास जो है हमें स्टार्ट फ्री ट्रायल करना होगा, और फ्री ट्रायल पे ही हम लर्न करेंगे, तो बेसिकली आपको सीखने के लिए कुछ पे नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे। सिंपल स्टार्ट ट्रायल करने के लिए सिर्फ आपके पास एक ईमेल रिक्वायर्ड है, जो कि ईमेल को यूज़ करते हुए आप सिंपल यहाँ पे अपना साइन अप करेंगे 14 दिन के ट्रायल के लिए, विच इज़ मोर देन इनफ अगर आप सिर्फ शॉपिफाई डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं। तो ये है बेसिक सा इंटरफेस। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे शॉपिफाई के डिफरेंट प्राइसिंग एंड प्राइसिंग प्लान्स के अबाउट। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे शॉपिफाई के डिफरेंट प्राइसिंग प्लान्स के अबाउट। तो चले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, सिंपल हम यहाँ पे प्राइसिंग टैब के ऊपर चले जाते हैं, और यहाँ पे देखें हमारे पास डिफरेंट प्लान्स है शॉपिफाई के, जिसमें बेसिक शॉपिफाई और एडवांस है, राइट। तो सिंपली यहाँ पे बेसिक के अंदर हमारे पास बेसिक रिपोर्ट्स अवेलेबल होंगी, 2 स्टाफ अकाउंट्स आप ऐड कर सकते हैं, अप टू 4 इन्वेंट्री लोकेशंस ऐड कर सकते हैं। जबकि ये जो प्लान है जो $49 पर मंथ का है, इसके अंदर आप 5 प्रोफेशनल रिपोर्ट्स ले सकते हैं शॉपिफाई से, 5 स्टाफ अकाउंट्स ऐड कर सकते हैं, और 5 इन्वेंट्री लोकेशंस ऐड कर सकते हैं। और जो ये है हमारे पास एडवांस, $299 का यहाँ पे पर मंथ का ये प्लान अवेलेबल है। कस्टम रिपोर्ट बिल्डर यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है, जो रिपोर्ट्स आपको चाहिए होंगे उसको आप मैन्युअली इंस्ट्रक्शंस देके वो सारी रिपोर्ट्स ले सकते हैं। 15 स्टाफ मेंबर्स अकाउंट ले सकते हैं, और 8 इन्वेंट्री लोकेशन। ये बेसिकली बिग बिजनेसेस के लिए है, ये नॉर्मल बिजनेसेस के लिए है मीडियम साइज, और जो बेसिक बिजनेस है या सिंगल ड्रॉप शिपिंग स्टोर है जिसको एक या दो बंदे हैंडल कर रहे हैं, तो उसके लिए ये प्लान मोर देन इनफ है, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारी और चीज़ें भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस, यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं इनकी, इनकी ही सर्विसेज है, लेकिन इनका हमें कुछ भी नहीं लेना, हमें कोई सरोकार नहीं है इनसे। तो हम बेसिकली इन प्लान्स के ऊपर बात करेंगे। तो आपको समझ आ चुकी होगी कि बेसिकली आपको क्या पे करना पड़ेगा अगर शॉपिफाई के साथ आप प्रोफेशनली काम करते हैं। बट राइट नाउ इस ट्रेनिंग के लिए आपको यहाँ पे कुछ पे नहीं करना पड़ेगा, सिंपल आपने जस्ट यहाँ पे फ्री ट्रायल के साथ लर्न करना है। उसके अंदर तमाम जो ऑप्शंस हैं वो आपको रिक्वायर्ड होंगे, और आपको कोई क्रेडिट कार्ड अटैच करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट सिंपल आपके पास एक ईमेल होनी चाहिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और प्रैक्टिकली साइन अप करेंगे शॉपिफाई के ऊपर, और देखेंगे कि किस तरह से हम साइन अप कर सकते हैं शॉपिफाई पे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम प्रैक्टिकली शॉपिफाई के ऊपर साइन अप करेंगे, और देखेंगे कि ये सारे काम किस तरह से होते हैं। चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि किस तरह से हम साइन अप कर सकते हैं शॉपिफाई के ऊपर। तो सिंपल, जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि आपके पास एक ईमेल होनी चाहिए। यहाँ पे मैं एक बेसिकली एक ईमेल मैंने सेटअप की है, जो कि मेरे पास यहाँ पे है। सिंपल मैंने इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, और यहाँ पे स्टार्टअप फ्री ट्रायल कर दूंगा। सिंपल यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस नज़र आएंगे स्टोर नेम का। तो सिंपल हमने क्या करना है, स्टोर नेम कोई भी रख सकते हैं बाद के अंदर, ये कोई डोमेन नहीं है, बाद के अंदर जो भी कस्टम डोमेन आप इसके अंदर ऐड करना चाहें कर सकते हैं। तो यहाँ राइट नाउ आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। लेट्स सपोज हम एक स्टोर, मैं अपने नाम ही लिख देता हूँ यहाँ पे, लाइक दैट। नेक्स्ट कर दिया, आई एम जस्ट स्टार्टिंग, आई एम ऑलरेडी सेलिंग, आई एम जस्ट स्टार्टिंग एन ऑनलाइन स्टोर, ठीक है। यहाँ पे हम अपना लोकेशन देंगे पाकिस्तान जो है, ये जो भी आपका लोकेशन है। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करेंगे, क्रिएट ए शॉपिफाई ट्रायल अकाउंट। तो सिंपल हम क्या कर देते हैं, कंटिन्यू विद जीमेल। आई डोंट नो क्यों ये दोबारा से जीमेल मांग रहा है, लेकिन हमने स्टार्ट के अंदर ईमेल यहाँ पे ऐड कर दी थी। ओके, तो यहाँ पे हम रीडायरेक्ट हो चुके हैं, और यहाँ पे मज़ीद हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेंगी। ओके, हमने सक्सेसफुली साइन अप कर चुके हैं, और यहाँ पे देखें हमारे पास शॉपिफाई का डैशबोर्ड आ चुका है। अगर मैं इसको इस तरह से व्यू करूँ तो यहाँ पे देखें कुछ इस तरह से हमारा स्टोर नज़र आ रहा है, क्योंकि हमने इस पर कोई काम नहीं किया। तो यहाँ तक हमने बेसिक साइन अप कर दिया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और मज़ीद इसको सीखना स्टार्ट करते हैं। तो टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे शॉपिफाई के बेसिक इंटरफेस के अबाउट, और उसके अंदर हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे शॉपिफाई का बेसिक डैशबोर्ड। तो चले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और हम देखते हैं कि शॉपिफाई के अंदर क्या क्या ऑप्शन हमें मिल जाते हैं। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से एक सेंटर के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। राइट साइड के ऊपर कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं और लेफ्ट साइड के ऊपर कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं, ये वाले और ये सेटिंग्स के, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और तमाम जो शॉपिफाई स्टोर है उसको ऑपरेट हम इन्हीं ऑप्शंस के साथ करेंगे। इन ऑप्शंस को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे एक एक ऑप्शन को। तो उसके लिए इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और एक एक ऑप्शन को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे ऑर्डर्स के ऑप्शन की, जो कि हमें शॉपिफाई डैशबोर्ड के अंदर मिल जाता है। इस ऑप्शन के अंदर आप तमाम ऑर्डर्स जो भी आपके कस्टमर्स ने प्लेस किए हैं वो सारे यहाँ से देख सकते हैं। जो ऑर्डर आपने कैंसिल किए हैं या होल्ड के ऊपर हैं या जो भी इश्यूज हैं रिगार्डिंग ऑर्डर्स, वो सारे ऑप्शंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलें चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर इस ऑप्शन को एक्सप्लोर करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे देखें कुछ इस तरह से ऑप्शन नज़र आ रहा है। सिंपल अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ऑर्डर्स यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर्स नज़र आएंगे। राइट नाउ यहाँ पे ये दिखा रहा है सेलेक्ट अ प्लान, क्योंकि हम ट्रायल एज अ लर्न कर रहे हैं, तो इस वजह से ये जो ऑप्शन है हमें नज़र आ रहा है। अगर हमने कोई प्लान बाय किया हो, लेट्स सपोज अगर मैं आपको इसको दिखाऊं, अगर यहाँ से कोई भी प्लान हम बाय कर चुके हों तो ये ऑप्शन हमें नज़र नहीं आएगा, राइट। लेकिन राइट नाउ हम लर्निंग मोड में हैं तो हम इसको अभी भी चूज नहीं करेंगे। और यहाँ पे तमाम ऑर्डर्स आपको नज़र आएंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर्स के अंदर एक ड्राफ्ट का ऑप्शन है, मैं वो ऑर्डर्स जो किसी ने प्लेस नहीं किए लेकिन आपने खुद ने क्रिएट करे हैं, मैन्युअली क्रिएट ऑर्डर्स एंड इनवॉइसेस, वो आप इस ऑप्शन के ज़रिए क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास वो ऑप्शंस हैं जो अबेंडेंड हैं, या यहाँ पे जैसे देखें आप लिखा हुआ है सी व्हेन कस्टमर पुट एन आइटम इन देयर कार्ट बट डोंट चेक आउट, यू आल्सो ईमेल कस्टमर लिंक देयर कार्ट एंड समथिंग लाइक दैट। तो ये मार्केटिंग पर्पजेज के लिए डाटा हमें यूज़ करेंगे। तो ये जो ऑप्शंस है यहाँ पे वो आपको ऑर्डर्स नज़र आएंगे जो मतलब जो यूज़र ने उनको उन प्रोडक्ट्स को कार्ट के अंदर ऐड किया है लेकिन परचेज नहीं किया, पेमेंट नहीं की उसकी, तो वो ऑप्शंस वो ऑर्डर्स आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। तो आई होप आपको समझ आई होगी कि ऑर्डर्स का जो ऑप्शन है उसका बेसिकली क्या मतलब है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और नेक्स्ट प्रोडक्ट वाले ऑप्शंस को हम डिस्कस करेंगे। तो टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि किस तरह से आप प्रोडक्ट ऑप्शन जो आपके शॉपिफाई स्टोर के अंदर मिलता है उसको किस तरह से सेट कर सकते हैं या वहाँ पे क्या क्या काम कर सकते हैं। तो बेसिकली प्रोडक्ट ऑप्शन, जिस तरह इसके नाम से जाहिर है, आप किसी भी तरह के प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं अपने स्टोर के अंदर इस ऑप्शन को यूज़ करते हुए। तो चले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि ये ऑप्शन किस तरह से काम करता है और इसका बेसिक ओवरव्यू देखते हैं। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे देखिए हम प्रोडक्ट ऑप्शंस हैं। सबसे पहले मैं प्रोडक्ट ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास यहाँ पे कुछ दो ऑप्शंस नज़र आएंगे, फाइंड प्रोडक्ट टू सेल। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो बेसिकली ये हमें ले जाएगा एक डिफरेंट मार्केट प्लेस के ऊपर, ऐप्स के ऊपर, और वहाँ से आप डिफरेंट ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग ऐप्स लाइक ओबरलो, लाइक डीजर और समथिंग लाइक दैट। बट राइट नाउ हम इसको ऑप्शन को यूज़ नहीं करेंगे। अगर आपको मैन्युअली प्रोडक्ट ऐड करना है तो सिंपल आप इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखें ऑप्शन है हमारे पास एड प्रोडक्ट, सिंपल आप यहाँ पे टाइटल लिखेंगे अपने प्रोडक्ट का, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, यहाँ पे जो चीज़ें भी उस डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड करना चाहें, इमेज है, वीडियो है या टेक्स्ट का को डिज़ाइन करना चाहें, तो इन ऑप्शंस की आप मदद ले सकते हैं। उसके बाद उन ऑप्शन उन प्रोडक्ट के रेलिवेंट यहाँ पे जो भी आप पिक्चर्स वगैरह ऐड करना चाहें तो वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने एक सैम्पल स्टोर यहाँ पे ओपन किया हुआ है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इन शर्ट्स के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे कोई प्रोडक्ट ओपन करता हूँ, तो सिंपल यहाँ पे देखें हमें उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट की कुछ इमेजेस यहाँ पे नज़र आएंगी। ये देखें ये इमेजेस नज़र आ रही हैं हमारे पास इस तरह से कंप्लीट डिफरेंट। तो जितनी भी आपकी प्रोडक्ट की इमेजेस हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप प्राइसिंग सेट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे कॉस्ट पर आइटम आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये कस्टमर के लिए नहीं होगा, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए होगा।
ठीक है। यहाँ पे आप इन्वेंट्री का SKU और बाकी सारी चीज़ें दे सकते हैं और ये बेसिक्स ऑप्शंस हैं, आप इनका यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो ये बेसिक्स ऑप्शंस है और इस साइड पे कुछ ऑप्शंस हमारे पास नज़र आते हैं। सबसे पहले कि प्रोडक्ट एक्टिव है या ड्राफ्ट है, आप अगर पब्लिश डायरेक्टली करना चाह रहे हैं तो एक्टिव पे रहने दें। और यहाँ पे आप सेल्स चैनल है कि आप कहाँ पे इसको पब्लिश करना चाह रहे हैं, ऑनलाइन स्टोर के अंदर या कहीं और। अगर आप के पास और जो है एप्लीकेशंस इंस्टॉल होती है लाइक फेसबुक की तरह या फेसबुक की मार्केट प्लेस आप इसके साथ कनेक्टेड होती तो यहाँ पे और ऑप्शंस भी नज़र आ रहे होते आपको, राइट। उसके अलावा यहाँ पे प्रोडक्ट की टाइप आप लिख सकते हैं, वेंडर का नाम लिख सकते हैं, कलेक्शन बता सकते हैं कि कौन सी कलेक्शन है। कलेक्शन बेसिकली कैटेगरी को हम कहते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास ये कलेक्शन हैं, जैसे शॉप के अंदर हम देखें तो शर्ट्स की एक अलग कलेक्शन है, निट्स की एक अलग कलेक्शन है, स्वेटर्स की एक अलग कलेक्शन है, बॉटम्स की एक अलग कलेक्शन है। अगर इस कलेक्शन को मैं खोलूं तो इसके अंदर स्पेसिफिक वही प्रोडक्ट होंगे जिसकी वो कलेक्शन है स्पेसिफिक। तो इस तरह से आप यहां से वो चूज़ कर सकते हैं। और ये थे कुछ बेसिक्स ऑप्शन। अब यहाँ पे देखें एक इन्वेंट्री का ऑप्शन है, ट्रांसफर का ऑप्शन है और कलेक्शंस का ऑप्शन है। इन्वेंट्री यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं अपनी इन्वेंट्री और मैनेज कर सकते हैं जितनी आपके पास स्टॉक अवेलेबल है आपके स्पेसिफिक प्रोडक्ट का, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है ट्रांसफर मैनेज योर इनकमिंग इन्वेंट्री, कि आपकी जो इन्वेंट्री है वो पेंडिंग कितनी पड़ी है, वो कितनी आ रही है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है यू कैन ट्रैक एंड रिसीव इनकमिंग इन्वेंट्री फ्रॉम योर सप्लायर एंड बिजनेस लोकेशंस, तो यहाँ से आप उसको मैनेज कर सकते हैं ताकि आपके बिजनेस के अंदर यहाँ पे आपको सारी चीज़ें कैलकुलेट होती रहें कि इतना स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है, इतना आ रहा है और इतने की हमें ज़रूरत है मजीद, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से कलेक्शंस है, हम डिफरेंट कलेक्शंस यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। कलेक्शंस का मतलब ये है कि इस तरह से हमारे पास जो है वो ये वाली जो ऑप्शंस हैं डिफरेंट, जैसे ये हमारे पास कलेक्शंस है वो क्रिएट कर सकते हैं। डोंट वरी, आगे चल के हम डिटेल के अंदर कलेक्शंस क्रिएट भी करेंगे, प्रोडक्ट भी बना के पब्लिश करेंगे, तो ये सारी चीज़ें हम आगे करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास गिफ्ट कार्ड का ऑप्शन है। गिफ्ट कार्ड बेसिकली ऐसे कार्ड्स होते हैं, डिजिटल कार्ड्स होते हैं जिनके अंदर एक स्टोर्ड वैल्यू होती है। आप यहाँ से लेट्स सपोज आप $10 का गिफ्ट कार्ड जनरेट कर लेते हैं, अब वो गिफ्ट कार्ड आप जिसको भी देंगे वो आपके इस स्टोर से आके उस गिफ्ट कार्ड को यूज़ करते हुए $10 की कोई भी चीज़ बाय कर सकते हैं, तो वो गिफ्ट कार्ड आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो ये थे प्रोडक्ट्स के ऑप्शंस और प्रोडक्ट्स के अंडर जो भी ऑप्शंस थे उनके बारे में मैंने आपको बताया। तो आई होप आपको समझ आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे ऑप्शन कस्टमर्स की। तो बेसिकली कस्टमर्स को ऑप्शन इसलिए होता है कि वहाँ पे आप अपने कस्टमर्स को ऐड कर सकते हैं ताकि उनको ट्रैक कर पाएँ और देख पाएँ कि उन्होंने कितने परचेजेस किए हैं, किस मंथ के अंदर उन्होंने कितनी परचेज किए आपके स्पेसिफिक स्टोर के अंदर। चले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और मज़ीद देखते हैं इसको। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं कस्टमर्स के ऑप्शन के ऊपर। तो इस तरह से कुछ इंटरफेस है, आप यहाँ पे कस्टमर्स जो है वो ऐड भी कर सकते हैं मैन्युअली और इंपोर्ट कस्टमर्स भी कर सकते हैं अगर आपके पास कोई CSV फाइल है या एक्सेल फाइल है। तो लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पे ऐड कस्टमर करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट नेम, ईमेल एड्रेस और ये सारी चीज़ें उसके अबाउट लिख देंगे। तो जब भी हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट डाटा होगा अपने कस्टमर्स का जिनको हम बाद में मार्केटिंग पर्पसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप तमाम डाटा जो है अपने कस्टमर्स का उस स्पेसिफिक स्टोर के रेलिवेंट स्टोर कर सकते हैं ताकि आप टारगेटेड मार्केटिंग कर सकें और आपके पास एक लिस्ट हो आपके कस्टमर्स की कि अगर आपका कोई नया प्रोडक्ट उस स्टोर के अंदर आया है तो आप उनको डायरेक्टली मार्केट कर सकें बजाय इसके कि दोबारा से नए कस्टमर्स आप ढूंढना स्टार्ट करें। तो आई होप आपको समझ आई होगी कस्टमर्स के ऑप्शन क्या है और किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे ऑप्शन एनालिटिक्स की, जो कि हमें शॉपिफाई के डैशबोर्ड के अंदर मिल जाता है। तो चले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि किस तरह से ये एनालिटिक्स हम देख सकते हैं और एनालिटिक्स एक्चुअल में किस तरह से नज़र आते हैं। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे हम अगर एनालिटिक्स पे क्लिक करें तो यहाँ पे देखें हमें डिटेल के अंदर एनालिटिक्स शो हो रहे हैं कि हमारे पास कितनी सेल्स हुई कितने दिनों के अंदर। यहाँ से आप डे सिलेक्ट कर सकते हैं, मंथ सिलेक्ट कर सकते हैं, कस्टम रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं कि
स्पेसिफिक डेट से स्पेसिफिक डेट तक कितनी सेल्स हुई, कितने लोग हमारे स्टोर के ऊपर आए, कितने लोगों ने बाय किया, कितने लोग एक्चुअल में देख के चले गए, वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत ही डिटेल के अंदर एक एक एनालिटिका आप यहाँ पे शो होगा, तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बात है उन लोगों के लिए जो कि मार्केटिंग को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास कंप्लीट डाटा आता है आपके कस्टमर्स का और आप उनको बाद में मार्केट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दूसरा ऑप्शन है रिपोर्ट्स का, एनालिटिक्स के अंडर ही। तो यहाँ पे हमारे पास तमाम तरह की रिपोर्ट्स हम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं कि प्रॉफिट हमें कितना हुआ, ऑर्डर्स कितने आए टोटल, सेल्स कितनी हुई, एक्विजिशन क्या है, ठीक है, कस्टमर्स कितने आए, बिहेवियर क्या था कस्टमर्स का, वो आए बाय किया उन्होंने या बाय किए बगैर चले गए या जो भी है, फाइनेंस हमारे पास कितना अवेलेबल है, मार्केटिंग पे हमने कितना लगा, इन्वेंट्री कितनी अवेलेबल है, कितनी यूज़ हुई है कितने अरसे में, तो उन सारी रिपोर्ट्स आप यहाँ से ले सकते हैं। और उसके बाद लाइव व्यू है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके स्टोर के ऊपर लाइव राइट नाउ कितने लोग अवेलेबल हैं, कितने लोग आपके स्टोर को इस टाइम देख रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं या वहाँ से कुछ चीज़ बाय कर रहे हैं, कितनी सेल्स आपको अभी जनरेट हो रही हैं और कहाँ कहाँ से आपको वो लोग अप्रोच कर रहे हैं आपके स्टोर्स पे, कहाँ कहाँ से ट्रैफिक है, तो वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ से मिलेंगी। क्योंकि हमारा स्टोर बिल्कुल नया है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर हमें कोई विजिटर्स और सेशंस और ऑर्डर्स कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, बट इस ऑप्शन का ये काम है। तो आई होप आपको समझ आ चुकी होगी कि एनालिटिक्स का क्या रोल है शॉपिफाई के अंदर और किस तरह से हम इनको एक्सेस कर पाएंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करेंगे जो कि है मार्केटिंग। तो चले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि किस तरह से वो ऑप्शन काम करता है। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और ये जो ऑप्शन है मार्केटिंग का, ये हमें तमाम तर वो ऑप्शन और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है जिसके ज़रिए हम अपने स्टोर की मार्केटिंग कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर ड्राइव कर सकते हैं अपने ई कॉमर्स स्टोर के ऊपर। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे तमाम चैनल्स आपको मिल जाएंगे, इन सबको आप सेटअप करके इनके ज़रिए आप अपने, मतलब यहाँ से आप कैंपेन सेटअप करके इन सारे जो ऑप्शंस हैं, स्नैपचैट्स हैं, गूगल हैं, इन सब के ऊपर अपने कैंपेन्स को जो रन कर सकते हैं, यहाँ से आप अपना कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ से कुछ और डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे आपको नज़र आ जाएंगे ऑटोमेशन का, और डिफरेंट तरह की ऑटोमेशंस आप यहाँ से सेटअप कर सकते हैं, आप सेल, कस्टमर विन बैक, कस्टमर ईमेल ऑटोमेशन। तो ये कंप्लीट मार्केटिंग के रेलिवेंट जितना भी काम आपने अपने स्टोर के रिलेटेड करना है वो सारे ऑप्शंस आपको मार्केटिंग के अंदर मिल जाएंगे। आप चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं, आप चाहें तो मैनुअली फेसबुक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम के ऊपर भी जाके अपने स्टोर को प्रमोट कर सकते हैं, टोटली अप टू यू, बट ऑब्वियसली दीज ऑप्शन आर मच बेटर बिकॉज ये आपको बहुत ही डिटेल के अंदर सारी चीज़ें, सारे ऑप्शंस देते हैं। तो आई होप आपको समझ आई होगी मार्केटिंग ऑप्शन किस काम आता है और किस वजह से इसको लोग यूज़ करते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे डिस्काउंट ऑप्शन की जो कि शॉपिफाई स्टोर के अंदर हमें नज़र आता है। बेसिकली किसी भी तरह के जो है वो कूपन कोड्स या डिस्काउंट्स आप यहां से क्रिएट कर सकते हैं। तो चले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर देखते हैं किस तरह से क्रिएट किया जाता है। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे देखें डिस्काउंट ऑप्शंस हैं, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मैनेज डिस्काउंट्स एंड प्रोमोशंस, यहाँ पे आप डिफरेंट डिस्काउंट कोड्स क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने के लिए सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, अमाउंट ऑफ ऑर्डर, बाय एक्स वाई गेट फ्री, जिस तरह से होता है बाय वन गेट वन फ्री, या इसको बाय करेंगे तो उसके साथ ये भी फ्री आएगा, या फ्री शिपिंग का कूपन क्रिएट करना चाह रहे हैं, या कोई स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ करना चाह रहे हैं कि इतने परसेंट या इतनी अमाउंट ऑफ है, ठीक है, या ऑर्डर के ऊपर डिस्काउंट देना चाह रहे हैं, तो ये सारे तरह के जो है डिस्काउंट्स आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स सपोज एक में अगर यहाँ से अमाउंट ऑफ ऑर्डर पे दूंगा, तो यहाँ पे देखें डिस्काउंट कोड, तो यहाँ पे मैं कोड लिखता हूँ एहसान दानिश समर, तो ये कोड मैं यहाँ पे कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि परसेंटेज, जैसे 20% ऑफ स्पेसिफिक कलेक्शन या स्पेसिफिक प्रोडक्ट, ठीक है, स्पेसिफिक प्रोडक्ट के, इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे 20% ऑफ है, और यहाँ से फिर मैं उसके सेट कर सकता हूँ लिमिट्स के, ये कितने लोगों के लिए कितनी परचेजेस इस पे जो है लिमिटेड हैं,
कितने लोग परचेज कर सकते हैं, कब स्टार्ट होगा, कब से कब तक वैलिड होगा, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से डील कर सकता हूँ, सेव करूँगा। उसके बाद ये वाला कोड मैं जिस भी अपने कस्टमर को दूंगा वो इस कोड को यूज़ करते हुए स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर 20% ऑफ ले सकेगा, राइट। तो इस तरह से आप डिस्काउंट्स क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आई होगी। कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी तरह की कन्फ्यूजन है, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपको रिस्पॉन्स करूँगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे ऑनलाइन स्टोर की, जो बेसिकली का ऑप्शन हमें नज़र आता है शॉपिफाई के डैशबोर्ड के अंदर। तो चले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, इसको देखते हैं। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे देखें ऑनलाइन स्टोर का एक ऑप्शन है और इसके अंडर काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। बेसिकली हम अपने स्टोर को जो भी तरह से डिज़ाइन, डिवेल्प या उसके अंदर कोई भी तरह का पेज ऐड करना है, ब्लॉग पोस्ट ऐड करनी है या उसके अंदर से डिज़ाइनिंग के परस्पेक्टिव से उसको कस्टमाइज़ करना है, वो सारे ऑप्शन हमें यहाँ पे नज़र आएंगे। हमें नेविगेशन मेन्यू बनाना है, प्रेफरेंसेस देखनी, वो सारी चीज़ें हम यहाँ से डील करेंगे। लेट्स सपोज आपको डिफरेंट थीम चेंज करने हैं, तो यहाँ पे थीम का ऑप्शन है, आप कस्टमाइज़ करके थीम चेंज कर सकते हैं और उस थीम को यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसके अंदर कोई चीज़ ऐड करनी है, कोई चीज़ डिलीट करनी है, कोई सेक्शन ऐड करना है या कोई स्पेसिफिक आइटम डिलीट करना है, तो इसी तरह ब्लॉग पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंट पेजेस क्रिएट करके अपने स्टोर के अंदर शो करवा सकते हैं, नेविगेशंस बना सकते हैं, प्रेफरेंसेस के अबाउट डिफरेंट चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आई होगी कि ऑनलाइन स्टोर का बेसिकली क्या मकसद है। इसको आगे वाले मॉड्यूल्स के अंदर बहुत ही डिटेल के अंदर मैं एक एक चीज़ आपको करके दिखाऊंगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे शॉपिफाई की सेटिंग्स के अबाउट। तो चले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और मजीद देखते हैं शॉपिफाई सेटिंग्स के अबाउट। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे देखिए हमें ऑप्शन नज़र आता है शॉपिफाई सेटिंग्स का, तो सिंपल इस पे क्लिक करेंगे तो और काफ़ी सारी जो है सेटिंग्स हमें यहाँ पे नज़र आ जाएंगी। सबसे पहले स्टोर की डिटेल्स है, आप कोई भी डिटेल यहाँ से चेंज करना चाह रहे हैं, सिंपल एडिट करना है और वहाँ से चेंज कर सकते हैं। एड्रेस वगैरह चेंज करना है, एडिट करना है, यहाँ पे कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वो चेंज करनी है, करेंसी चेंज करनी है, वो सारी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे स्टोर डिटेल के अंदर। आपका कौन सा करंट प्लान है, आप प्लान को अपग्रेड किस तरह से करेंगे, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे नज़र आ जाएंगी। उसके अलावा यहाँ पे आपको बिलिंग का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। बिलिंग बेसिकली आप यहाँ पे अपने पेमेंट मेथड्स ऐड कर सकते हैं जिससे आप शॉपिफाई स्टोर का आप प्लान बाय करेंगे या और पेमेंट्स, किसी ऐप की पेमेंट करनी है वो सारी पेमेंट्स आप यहाँ से ऐड कर सकेंगे। यूज़र्स ऐड कर सकते हैं अपने स्टोर के ऐप पर। लेट्स सपोज आपने एक असिस्टेंट हायर किया है इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए, तो वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं आप और उसको डिफरेंट परमिशन दे सकते हैं अपने स्टोर के रेलिवेंट के, वो ये चीज़ें चेंज कर सकता है, ये वाली चीज़ें चेंज नहीं कर सकता, वो सारी चीज़ें। उसके अबाउट पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए आप यहां से डिफरेंट पेमेंट्स प्रोवाइडर्स का सेटअप कर सकते हैं कि कोई भी ऑर्डर आपको कर रहा है तो वो कहां पे रिसीव होगी आपको पेमेंट, वो सारी ऑप्शंस आपको यहां पे मिल जाएंगे इस पेमेंट के ऑप्शन के अंदर। आगे चल के मजीद इसको डिटेल में भी देखेंगे। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास चेकआउट का ऑप्शन है। यहाँ पर डिफरेंट सेटिंग्स हैं कि चेकआउट के वक्त यूज़र या बायर को क्या क्या ऑप्शन नज़र आए, उसको ईमेल जाए ना जाए, ये सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे चेकआउट के। उसके अलावा डिलीवरी के ऑप्शन हैं कि आप किस किस तरह के डिलीवरी करते हैं। लेट्स सपोज अगर कस्टमर आपका स्टोर पाकिस्तान बेस्ड और कस्टमर ने ऑर्डर यूएसए से किया तो डिलीवरी चार्जेस क्या होंगे, और अगर लेट्स सपोज आप विद इन कंट्री कर रहे हैं शिपिंग तो आपके शिपिंग चार्जेस क्या होंगे, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से मैनेज कर सकेंगे जो कि यूज़र को नज़र आएगा जो कि ऑर्डर कर रहा होगा, राइट। उसके बाद टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं डिफरेंट तरह की। और अगला ऑप्शन है हमारे पास लोकेशंस, अगर हमारे स्टोर की एक से ज़्यादा लोकेशंस हैं तो वो सारी हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं ताकि उन सारे स्टोर्स का हम एक्सेस कर सकें और उनको देख सकें, उनकी प्रोग्रेस और सारी चीज़ों को मैनेज कर सकें। उसके अलावा गिफ्ट कार्ड्स, आप यहाँ पर गिफ्ट कार्ड्स की सेटिंग कर सकते हैं, बता सकते हैं कि गिफ्ट कार्ड एक्सपायर होगा, नहीं होगा, कब होगा, गिफ्ट कार्ड किस तरह से क्रिएट करते हैं, लास्ट लेक्चर्स में मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। मार्केटर्स के अबाउट ये ऑप्शंस हैं, जितनी भी सेटिंग्स हैं वो आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। आपकी प्राइमरी मार्केट पाकिस्तान है या वर्ल्ड वाइड है, आप इसको मैनेज कर सकते हैं, इंटरनेशनल है, तो यहाँ से आप डिफरेंट मैनेजमेंट कर सकते हैं अपनी मार्केट की। मार्केट का मतलब ये है कि आपका एक्चुअल में आप कहाँ पे प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं, अपने प्राइमरी लोकेशन क्या है आपकी। उसके बाद ऐप्स एंड सेल्स चैनल्स, यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन मिल जाएंगे कि आपने कौन सी ऐप्स जो हैं वो यहाँ पे ऐड की हुई हैं, नहीं की हुई, बिल्ड कस्टम ऐप्स फॉर योर यूनिक नीड्स, यहाँ पे या डेवलपर्स के लिए ऑप्शन मौजूद हैं। उसके अलावा आप कस्टम डोमेन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। राइट नाउ हमारी जो, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, हमारे स्टोर का यूआरएल वो कुछ इस तरह से है।
अगर हमें कुछ इस तरह का डोमेन ऐड करना है जैसे ehsandansh.com .net समथिंग लाइक दैट, तो वो कस्टम डोमेन के अंदर आ जाएगा और वो हम यहाँ से ऐड करेंगे। बाय भी यहाँ से कर सकते हैं, अगर कहीं और से बाय किया आपने और यहाँ पे अटैच करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ब्रांड का, यहाँ पे आप अपने स्टोर के लोगोज़ वगैरह लगा सकते हैं जो कि आपको सर्च इंजन के अंदर हेल्प करेंगे और आपका जो भी प्राइमरी कलर्स हैं, कवर इमेजेस हैं, स्लोगन हैं, सारी चीज़ें हैं वो सारी आपकी यहाँ पे ऐड आप कर सकते हैं। उसके अलावा नोटिफिकेशंस को आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ के नोटिफिकेशंस आपको आएँ और किस तरह से नोटिफिकेशंस हैं और कस्टमर्स को कौन कौन से नोटिफिकेशंस हैं, वो सारी ऑप्शंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके अलावा ये ऑप्शन नया है मेटा फील्ड्स का, बेसिकली आप कस्टम फील्ड्स ऐड कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के पेज के ऊपर या जहाँ पे भी आप चाहें। इनको भी हम डिटेल के अंदर आगे चल के देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है फाइल्स, आप यहाँ पे डिफरेंट फाइल्स अटैच कर सकते हैं, इमेजेस ऐड कर सकते हैं जिनको बाद के अंदर आप अपने प्रोडक्ट के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास लैंग्वेजेस, आप शॉपिफाई स्टोर की प्राइमरी लैंग्वेज अभी इंग्लिश है, डिफ़ॉल्ट है, आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं इस लैंग्वेज पे, जो भी आप लैंग्वेज चाहें, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी या जो भी लैंग्वेज चाहें, राइट। और उसके अलावा यहाँ पे पॉलिसीज, डिफरेंट पॉलिसीज, प्राइवेसी पॉलिसीज, डिस्क्लेमर, टर्म ऑफ यूज़, रिटर्न पॉलिसीज, ये सारी पॉलिसीज आपको अक्सर नज़र आती होंगी डिफरेंट स्टोर्स में जब आप चेकआउट कर रहे होते हैं या कोई चीज़ बाय कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे देखिए रिफंड पॉलिसी आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, प्राइवेसी पॉलिसी आप यहाँ पे ऐड कर देंगे, टर्म्स एंड सर्विसेज यहाँ पे, शिपिंग पॉलिसी, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर देंगे और फिर इनको आप फ्रंट एंड के ऊपर अपने स्टोर के ऊपर शो करवा सकते हैं। तो ये थी ऑप्शंस। और उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन नज़र आ रहा है सेटअप गाइड, तो यहाँ पे हमारे पास बेसिक से गाइड नज़र आ रहे हैं, इनको भी आप देख सकते हैं और उनको देखने की ज़रूरत तो नहीं है बट मैंने सोचा आपको बता दूं। तो आई होप आपको समझ आई होगी कि शॉपिफाई के अंदर जो भी सेटिंग्स के ऑप्शंस हैं उनके अंदर क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। आगे चल के जिस जिस ऑप्शन की हमें जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती जाएगी उसको हम यूज़ करते जाएंगे और आपको मैं दिखाता जाऊँगा। तो आई होप आपको समझ आई होगी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। इस कंप्लीट मॉड्यूल के अंदर मैं कुछ बेसिक चीज़ों की बात करूंगा जो कि आपको शॉपिफाई स्टोर के रेलेवेंट आनी चाहिए, जैसे किस तरह से कंप्लीट जो है प्रोडक्ट ऐड करते हैं अपने स्टोर के अंदर, किस तरह से जो बाकी काम है लाइक हम अगर देखें तो कस्टम डोमेन ऐड करते हैं और इसी तरह से हमारे पास कलेक्शंस हैं, ब्लॉग पोस्ट हैं, इस तरह के कुछ ऑप्शंस हैं उनको किस किस तरह से ऐड करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस मॉड्यूल के अंदर कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन स्टार्ट करेंगे, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे किस तरह से आप एक प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं अपने शॉपिफाई स्टोर के अंदर। तो चले चलते हैं इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट का ऑप्शन है, सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिंपल हमारे पास ऐड योर प्रोडक्ट का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट ऐड करना है, तो इसके लिए मैंने सैंपल लेने के लिए सिंपल एक और वेबसाइट ओपन की है। मैं जस्ट आपको लर्निंग पर्पज़ के लिए यहाँ पे ये चीज़ें एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे टाइटल, जैसे यहाँ पे ये टाइटल है, आप यहाँ पे टाइटल अपना लिख सकते हैं जो भी चाहें। उसके अलावा यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन है स्टोर की, मतलब उस सिंपल स्पेसिफिक प्रोडक्ट की, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इस तरह से। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास हमें इमेजेस ऐड करनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से सिंपल मैं इनको डाउनलोड कर लूँगा। वन टू थ्री, तो मैं जस्ट आपको ये लर्निंग पर्पज़ के लिए दिखा रहा हूँ। यहाँ से कॉपी करके आपका जो भी प्रोडक्ट होगा आप उसके रेलिवेंट इमेजेस आप लगाएंगे अपने स्टोर के अंदर। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले इमेज आपने वो चूज़ करनी है जो आप चाहते हैं सबसे फ्रंट के ऊपर आए। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे जो सबसे पहली इमेज आ रही है वो ये आ रही है, ठीक है। जो सबसे पहली इमेज आप करना चाह रहे हैं यूज़, वो आपने क्या करना है, सबसे पहले उसको चूज़ करना है। तो सिंपल मैं आ चुका हूँ यहाँ पे और मैं चाहता हूँ कि ये वाली इमेज जो सबसे पहले नज़र आए, तो सिंपल मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा, ये हमारी प्राइमरी इमेज आ जाएगी। उसके अलावा जो इमेजेस मैं ऐड करना चाहूँगा वो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और इस तरह से इनको यहाँ पर ऐड कर दूँगा। उसके बाद मैं इसकी प्राइसिंग सेट कर लूँगा, लेट्स सपोज मैं इसके 9000 PKR रख देता हूँ। और कंपेयर एट प्राइस, इसका ऑप्शन ये है कि हम
जैसे डिस्काउंट लगाते हैं, और अक्सर जगहों पे आपने देखा होगा प्राइसिंग के साथ लिखा होता है, उसके ऊपर कट लगा होता है कि लेट्स सपोज 9000 का है, उसके ऊपर कट लगा है और 7000 अब इसके ओरिजिनल प्राइस, इस तरह से आप इसको शो करवा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 9000 लिखा और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5000, मतलब राइट नाउ ये 9000 का है, पहले ये 9000 का था। तो इस तरह से यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। इनको आप चाहें तो अपने इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें हैं, SKU अपने ऐड कर सकते हैं, शॉप की लोकेशन वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऑब्वियसली दिस इज़ अ फिजिकल प्रोडक्ट, तो ये मेक श्योर कर लीजिएगा कि ये चेक्ड हो। फिजिकल प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो कि शिपेबल हों, जिनको आप शिप कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे कस्टम्स इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं डिफरेंट, और उसके बाद दिस प्रोडक्ट हैज़ ऑप्शन लाइक साइज कलर एंड साइज एंड कलर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, राइट नाउ मैं अभी आपको इसको, ये मैंने ऐड कर दिया और मैं इसको सेव कर देता हूँ। सिंपल सेव कर दिया हमने, और मैं इसको अभी प्रीव्यू करता हूँ अपने स्टोर के ऊपर कि किस तरह से नज़र आएगा। तो यहाँ पे देखें, हमने वो प्रोडक्ट उसी तरह से ऐड कर दिया। यहाँ पे देखें कुछ इस तरह से इसका डिज़ाइन नज़र आ रहा है हमें। आई डोंट नो ये स्वेचेस क्यों काम नहीं कर रहे, मैं इसको एक और दफ़ा रिलोड कर लेता हूँ। तो ये सम टाइम थीम में भी इशू आ जाता है, तो ये काम अभी इस तरह से नहीं कर रहे। ये इसका स्टाइल ही इसी तरह से, मैं भी यहीं पे शो करवाता हूँ इसी तरह से। तो हर थीम का एक डिफरेंट स्टाइल होता है प्रोडक्ट को शो करवाने के लिए, तो इस थीम का स्पेसिफिक ये स्टाइल है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते अनटिल अनलेस कि आप कोई कोड करें और इसको चेंज करें इस प्रोडक्ट पेज को। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा इसको कस्टमाइज मजीद किस तरह से करना है। तो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे एक ऑप्शन था, हमने देखा था कि दिस प्रोडक्ट हैज़ साइज कलर एंड अदर थिंग। तो मैं इसको अगर ऐड कर दूँ और इसके अंदर मैं कलर्स डाल दूँ, अक्सर वेबसाइट्स पे आपने देखा होगा डिफरेंट कलर के प्रोडक्ट्स होते हैं, मैं कर देता हूँ रेड। ठीक है, डन। एक और ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रे, यहाँ से कलर और यहाँ से लिख देता हूँ ग्रे। और सॉरी, यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसी को एडिट करता हूँ और इसको मैंने ऐड कर दिया, ऐड अनदर ऑप्शन। साइज में ऐड कर देता हूँ, लेट्स से यहाँ पे 42 साइज हमारे पास अवेलेबल है, 43 साइज अवेलेबल है, 44 साइज अवेलेबल है। ठीक है, मैं इसको ऐड कर देता हूँ। इसी तरह से कलर्स अगर आपने रेड की जगह और करने हैं तो इस तरह से इसी के नीचे ग्रे ब्राउन इस तरह से ऐड कर देने। ओके, इसको मैं कर देता हूँ ऐसे सेटअप। अब यहाँ पे देखें, इसके साथ साथ जैसे ही हमने ऐड किए, यहाँ पे हमारे पास कुछ और ऑप्शंस नज़र आ गए वेरिएंट्स। अब लेट्स सपोज रेड है, उसकी उस रेड इमेज की, रेड शूज़ की इमेजेस आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो मैं इसको अगर अभी सेव करूँ और मैं इसको देन अगेन रिलोड करूँ, तो यहाँ पे देखें हमें और ऑप्शंस भी नज़र आ गए कलर और साइज का। तो आप भी चाहें तो यहाँ पे वो ऐड कर सकते हैं। मैं इसको रिलोड करता हूँ अगेन। आई थिंक इस जो, अच्छा यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आउट ऑफ स्टॉक, तो इस वजह से ये ऑप्शंस काम नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे इन्वेंट्री का ऑप्शन में ऐड कर देता हूँ कि हमारे पास इसकी इन्वेंट्री अवेलेबल है। किधर गए ऑप्शन? यहाँ पे देखें ये आउट ऑफ स्टॉक नज़र आ रहा है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, सिंपल इस तरह से अगेन एडिट करता हूँ और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नज़र आने चाहिए इसके जो है इन्वेंट्री के। आई डोंट नो वाई यहाँ पे ऑप्शंस हमें नज़र नहीं आ रहे, तो मैं इस प्रोडक्ट को अगेन डिलीट करके और दोबारा से ऐड कर देता हूँ। अगेन मैं यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट करूँगा। यहाँ पे जल्दी जल्दी से हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे अपनी चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट।
अब यहाँ पे देखें स्टॉक कीपिंग यूनिट, यहाँ पे मैं SKU कुछ भी डाल देता हूँ लाइक दैट, या एहसान समथिंग लाइक दैट, एहसान वन। और यहाँ पे देखें शॉप लोकेशन है, वेट है, हाइट है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे है कंटिन्यू सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक, तो हम यहाँ पे इसको ऑन कर देते हैं। और इसको अब अगर मैं पब्लिश कर दूँ, आफ्टर पब्लिशमेंट मैं इसको अब अपने प्रोडक्ट को रिव्यू करता हूँ, तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये ऑप्शंस काम कर रहे हैं कि हमारे पास इन स्टॉक आ गया यहाँ पे ऑप्शन, ठीक है। सिमिलरली अगेन आप इन ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं जो कि साइज, कलर और डिफरेंट वेरिएशंस हैं। तो आई होप आपको समझ आई होगी डिटेल के अंदर के किस तरह से आप प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे इन स्पेसिफिक प्रोडक्ट को हम स्पेसिफिक इन्वेंट्री के अंदर या सॉरी कलेक्शंस के अंदर कैसे ऐड करेंगे और कलेक्शंस क्या होते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कलेक्शंस की, कलेक्शंस क्या होते हैं, किस तरह से बनाते हैं और किस तरह से स्पेसिफिक कलेक्शन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। तो बेसिकली कलेक्शंस को हम कैटेगरीज कह सकते हैं, जिस तरह से शूज़ की एक कलेक्शन है, टी शर्ट्स की एक कलेक्शन है और जो हमारे हैं पैंट्स की एक कलेक्शन है। अब ये लेट्स सपोज तीन डिफरेंट कलेक्शन है। अब शूज़ की कलेक्शन के अंदर डिफरेंट तरह के शूज़ होंगे, राइट। अब इसको हम कैटेगरी भी कह सकते हैं, कलेक्शन भी कह सकते हैं। तो चले लैपटॉप स्क्रीन पे चलते हैं और इसको मजीद प्रैक्टिकल करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे देखिए हमें ऑप्शन मिल जाता है प्रोडक्ट के अंडर कलेक्शंस का। अब हमें यहाँ पे लेट्स सपोज हमारे हम अपने स्टोर के ऊपर दो चीज़ें बेच रहे हैं, एक शूज़ और एक शर्ट्स। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे ऐड कलेक्शन करूँगा और यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा शूज़ लिख दूंगा, लेट्स से शूज़। इसके अबाउट डिस्क्रिप्शन जो भी मैं लिखना चाहूँ, राइट नाउ मैंने डमी वो यूज़ कर लिए। अब यहाँ पे दो टाइप के कलेक्शंस हैं, एक है मैनुअल, एक है ऑटोमेटेड। अब जो मैनुअल है इसके अंदर यहाँ पे देखें ऐड प्रोडक्ट टू दिस कलेक्शन वन बाय वन, आपको मैनुअली सारी प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऐड करने होंगे। ऑन द अदर हैंड जो ऑटोमेटेड कलेक्शंस है इसका फर्क ये है कि आपने यहाँ पे जस्ट कुछ पैरामीटर्स डिफाइन करने हैं। लेट्स सपोज आप कहते हो कि जिन प्रोडक्ट की प्राइस 90 से नीचे है वो सारे इसी कलेक्शन के अंदर आ जाएं, जिन प्रोडक्ट का कलर रेड है वो सारे प्रोडक्ट इसके अंदर आ जाएं। इस तरह से आप ऑटोमेटिकली कर देते हो और वो सारे प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली इस कलेक्शन के अंदर ऐड हो जाते हैं। यहाँ पे देखें जिस डिफरेंट कंडीशंस हैं, प्रोडक्ट का टाइटल अगर ये हो तो वो इस प्रोडक्ट के अंदर आ जाए, ठीक है। इसी तरह से लेट्स सपोज प्रोडक्ट की प्राइस अगर 90 इज ग्रेटर देन और लेस देन और समथिंग लाइक दैट, इस तरह से आप कंडीशन जो है यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक कंडीशन ऐड करता हूँ ग्रेटर देन 20, दिस कलेक्शन विल इंक्लूड ऑल प्रोडक्ट विद एट लीस्ट वन वेरिएंट दैट मैचेस प्राइस, मैं कहता हूँ ओके, ठीक है, यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। अब ये हमारी एक कलेक्शन बन गई। अब इस कलेक्शन के आप इमेज भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन कोई खासी ज़रूरी है नहीं, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। एक कलेक्शन बन गई। अब सिमिलरली मैं दूसरी कलेक्शन बनाना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं शर्ट्स की कलेक्शन ऐड कर दूँगा। यहाँ पे भी मैं डमी टेक्स्ट डाल दूँगा, ऑटोमेटेड कलेक्शन कर दूँगा, ठीक है। इस बार मैं इसको मैनुअल कर देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं सेव कर दूँगा। ये कलेक्शन हो गई। अब जब भी मैं कोई प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये प्रोडक्ट है, इसको अगर मैं ऐड करूँगा तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो ऑप्शंस हैं या कलेक्शंस के अंदर वो कलेक्शंस हमारे पास शो हो रही होंगी। एक कलेक्शन जो है वो मेरे ख्याल से पब्लिश नहीं हुई, इसको मैं रिलोड करता हूँ अगेन और यहाँ पे वो जो है हमें शो होनी चाहिए वो कलेक्शन, अगेन नहीं हो रही शो। तो हम चलते हैं वापस कलेक्शंस के अंदर और देखते हैं कि वो कलेक्शन हमारी हमने पब्लिश की भी थी कि नहीं की थी। तो यहाँ पे देखें ये एक शूज़ की है और ये इसके अंदर हमने क्योंकि एक भी प्रोडक्ट ऐड नहीं किया इस वजह से यहाँ पे शो नहीं हो रही। तो वापस प्रोडक्ट्स पे चलते हैं, एडिट करेंगे और यहाँ पे हमारे पास है कलेक्शंस, हम कहते हैं टी शर्ट्स के अंदर ये चला जाए, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट है अब टी शर्ट वाले कलेक्शंस के अंदर होगा,
ठीक है। अब जो जिस टाइप का भी आप प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं और उस टाइप की आपके पास कलेक्शन मौजूद है, तो आप उन कलेक्शंस के अंदर वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं और फिर उस पूरी की पूरी कलेक्शन को होम पेज पे शो करवा सकते हैं। एक से एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे फुटवेयर है, अब मैं इस फुटवेयर पे क्लिक करूँ तो इसके अंदर जितने भी शूज़ हैं वो सारे शो हो जाएंगे कुछ इस तरह से। ऑन द अदर एंड यहाँ पे हमारे पास जो सेल का ऑप्शन है, सेल की एक कलेक्शन है, अब इसके अंदर जितने भी जो इनके प्रोडक्ट्स होंगे वो सारे सेल के ऊपर होंगे। यहाँ पे देखें, ये सारे सेल के ऊपर है, सही है, $250, $249। तो यहाँ पे आप इस तरह से देख सकते हैं। तो इनको, उन कलेक्शंस को फिर इस तरह से यहाँ पे शो करवा दिया जाता है ताकि इजीली जो यूज़र है वो आके स्पेसिफिक कलेक्शन को क्लिक करे और उसके रेलिवेंट जो भी प्रोडक्ट उसके अंदर हों वो देख सके, बजाय इसके कि वो इतने सारे प्रोडक्ट्स में से ढूंढे कौन सा सेल पे है, कौन सा नहीं है, या कौन से कलर का है, या टी शर्ट्स उसने ढूंढनी है तो वो सारे प्रोडक्ट्स में से ढूंढे, बजाय इसके कि वो सिंपल जाए कलेक्शन पर क्लिक करे, टी शर्ट वाली कलेक्शन पर क्लिक करे, उसके सामने तमाम टी शर्ट्स नजर आ जाए। तो इस तरह से आप कलेक्शन बना सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं अपने शॉपिफाई स्टोर के अंदर। आई होप आपको समझ आई होगी। किसी भी तरह की कन्फ्यूजन है, कोई भी प्रॉब्लम है, कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपको रिस्पॉन्स करूँगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे ब्लॉग पोस्ट की, अबाउट डिफरेंट ब्लॉग पोस्ट यूज़ की जाती हैं अपने ब्लॉग को सर्च इंजन के अंदर ज़्यादा अच्छे तरीके से रैंक करने के लिए, या अपनी किसी भी प्रोडक्ट के अबाउट इन्फॉर्मेशन देने के लिए, या किसी और पर्पज़ के लिए। अगर आपके स्टोर के ऊपर ब्लॉग किस तरह से होगा, किस तरह से ब्लॉग पोस्ट ऐड करेंगे, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, लैपटॉप स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से ये सारी चीज़ें काम करेंगी। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे देखें, हमारे पास ऑप्शन नज़र आ रहा है। इसके अंदर अगर हम ऑनलाइन स्टोर के अंदर हैं और यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ रहा है हमारे पास ब्लॉग पोस्ट का, तो यहाँ पे देखें हमारे पास ब्लॉग पोस्ट का ऑप्शन है। सिंपल हम यहाँ पे क्रिएट ब्लॉग पोस्ट करेंगे। यहाँ पे हम ब्लॉग पोस्ट का लिखेंगे, लेट्स सपोज टॉप ट्रेंडिंग टी शर्ट्स ऑन आवर स्टोर, ठीक है। और यहाँ पे हम कुछ भी टेक्स्ट लिख देते हैं जो भी, और उसके अंदर इमेजेस वगैरह लिख देते हैं, सारा कुछ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसका फीचर इमेज हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बूट्स लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से हम SEO के रेलिवेंट इसका टाइटल को जैसे शो करना चाहें, हम अगर चाहते हैं कि इस ये वाला टाइटल हमारा सर्च इंजन के अंदर इस तरह से शो हो, तो वो हम यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। ये वाले डिस्क्रिप्शन को आप चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे सर्च इंजन के अंदर आपकी कौन सी डिस्क्रिप्शन शो होनी चाहिए, आपका प्रोडक्ट का URL क्या होना चाहिए, वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने ये किया, यहाँ पे हिडन है, इसको मैं विजिबल कर देता हूँ। विजिबल करने के बाद यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ कि इसको एहसान दानिश ने लिखा है। तो यहाँ से इस तरह का कोई ऑथर एडिड नहीं है, यही ऑथर है, तो मैं इसी को रहने दूंगा। अब यहाँ पे देखें ऑप्शन ब्लॉग न्यूज़, ठीक है, हम इसको न्यूज़ पे ही रहने देते हैं। तो ऑथर को मैं साइड पे कर देता हूँ, ये ऑथर मैंने सेलेक्ट कर लिया, ओके। और यहाँ से हमने जो डिफ़ॉल्ट ब्लॉग पोस्ट, इसी को सिलेक्ट कर देना है। अब ये थीम्स के रेलिवेंट डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे चेंज होते रहते हैं। अगर आप कोई और थीम यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑप्शन लिटिल बिट डिफरेंट होंगे, बट कंसेप्ट सेम यही रहेगा। तो मैं इसको अगर सेव कर दूँ तो ये मेरा जो ब्लॉग पोस्ट है वो पब्लिश हो चुका है। इसको अगर मैं देखना चाहूँ फ्रंट एंड के ऊपर, तो देखें इस तरह से मेरा ये ब्लॉग पोस्ट शो हो रहा है। मैंने यहाँ पे इमेज लगाई और यहाँ पे क्या टेक्स्ट वगैरह लिख दिया। बहुत सारे ब्लॉग्स, जैसे ये एक मैंने सैंपल ब्लॉग लिया है, इसके अगर मैं बिल्कुल बॉटम के अंदर जाऊँ तो यहाँ पे देखें प्रेस का ऑप्शन है, प्रेस या ब्लॉग्स या प्रेस रिलीज। लेट्स सपोज जैसे इन्होंने लिखा हुआ है इसके ऊपर, लेट्स से द मोस्ट क्रिमिनली अंडररेटेड बूट ब्रांड्स। अब इन्होंने देखें कंप्लीट डिटेल के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है, अपने ही प्रोडक्ट के अबाउट यहाँ पे इन्होंने लिंक्स दिए हुए हैं। अगर ये आपने बाय करने हैं तो यहाँ से जाके बाय कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ से डिटेल में लिखी। तो इस तरह से आप भी ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं अपने ब्लॉग के अंदर इस ऑप्शन को यूज़ करते हुए। इनको फ्रंट एंड पे किस तरह से शो करवाना है, जिस तरह से इन्होंने किया हुआ है यहाँ पे देखें कि इसके अंदर जैसे ही हम अगर जाएं, जैसे मैं इसको वन स्टेप बैक पे लेके जाता हूँ, जैसे ही हमने प्रेस पे क्लिक किया था तो यहाँ पे देखें डिफरेंट ब्लॉग पोस्ट आ गए।
अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे ब्लॉग मैनेजमेंट की या ब्लॉग की डिफरेंट कैटेगरीज की। लेट्स सपोज आपने डिफरेंट स्टोर्स के ऊपर या डिफरेंट जगहों पे देखा होगा कि ब्लॉग्स के रेलेवेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। जिस तरह से लेट्स सपोज मैं दो कैटेगरी बना लेता हूँ, एक बूट्स और एक टी शर्ट्स। सिमिलरली जिस तरह प्रोडक्ट्स के अंदर हम कलेक्शंस की बात करते थे, यहाँ पे भी इसी तरह ब्लॉग्स के अंदर ब्लॉग्स की कैटेगरीज हैं जिनको हम ब्लॉग्स ही कहते हैं, राइट। तो इसका फायदा ये होता है, लेट्स सपोज मैं दो चीजों के अबाउट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, एक तो नॉर्मली न्यूज़ के अबाउट, अपने स्टोर के अबाउट न्यूज़ के अबाउट, और एक मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कूपन्स के अबाउट, जो जो नए कूपन्स आएंगे मेरे स्टोर के ऊपर, तो उसको मैं किस तरह से हैंडल करूंगा। मैं क्या करूंगा, दो कैटेगरीज बना लूंगा ब्लॉग्स की। चले मैं लैपटॉप स्क्रीन पे चलता हूँ, करके दिखाता हूँ। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन पे, पर ब्लॉग पोस्ट के अंदर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ गया मैनेज ब्लॉग्स का। सिंपल इस पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे लेट्स से मैं बना लेता हूँ दो ब्लॉग्स। वन इज कॉल्ड, लेट्स से हम करते हैं कूपन्स, और सेकेंड वन हम करते हैं अगेन यहां पे हम कर लेते हैं जनरल प्रोडक्ट न्यूज़। इसको मैं सेव कर देता हूं, सेव कर दिया मैंने। अब जब मैं ब्लॉग पोस्ट यहां पे लिखूंगा, लेट्स से मैं यहां पे ब्लॉग पोस्ट लिखूंगा, और मैंने यहां पे लिख देता हूं कोई भी ब्लॉग पोस्ट, लेट्स से डमी टेक्स्ट में यहां पे डाल देता हूं। और यहां पे देखें अगर आप ऑप्शन ब्लॉग कि ये वाला स्पेसिफिक जो पोस्ट है वो किस ब्लॉग के अंदर या किस कैटेगरी अंदर शो होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखें कूपन्स और जनरल, वो वाले यहाँ पे शो हो गए। सिमिलरली जिस तरह से हम प्रोडक्ट्स की कैटेगरी कैटेगराइजेशन करते थे, वहाँ से हम कलेक्शंस कहते थे उनको, और यहाँ पे हम इनको ब्लॉग्स या ब्लॉग्स की कैटेगरीज कह सकते हैं। तो हम उसको इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। सिंपल अगर मैं चाहता हूँ कि ये कूपन्स के अंदर जाए, मैं सेव करता हूँ। अब जब भी कोई कूपन्स वाला वो ओपन करेगा तो यहाँ पर उसको ये ब्लॉग नजर आएगा। ये जो भी ब्लॉग्स हम कूपन्स वाले कैटेगरी के अंदर पोस्ट करना चाहेंगे वो हम इस तरह से कर सकते हैं। जो न्यूज़ वाले में वो भी हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आई होगी कि किस तरह से ये ऑप्शंस या ब्लॉग्स की डिफरेंट कैटेगरीज या ब्लॉग्स को मैनेज करते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे पेजेस की। शॉपिफाई स्टोर या किसी भी स्टोर के अंदर आपने डिफरेंट पेजेस देखे होंगे, जैसे अबाउट का पेज, कॉन्टैक्टर्स का पेज, प्राइवेसी पॉलिसीज, और इन तरह के पेजेस आपको डिफरेंट डिफरेंट नजर आते होंगे। तो वो किस तरह से क्रिएट करते हैं, उनके अंदर डाटा किस तरह से डालते हैं, चले चल के ये देखते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर प्रैक्टिकली। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे देखें हमारे पास ये ऑप्शन है, इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन है पेजेस का। तो पेजेस के अंदर अगर हम आएँ तो यहाँ पे देखें सिर्फ ओनली कॉन्टैक्टर्स का पेज है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और मैं अपना जो कॉन्टैक्टर्स का पेज है वो न्यू बनाऊंगा, या जो भी पेजेस। तो कुछ इस तरह से नज़र आने वाला है। सिंपल मैं यहाँ पे ऐड पेज करूँगा और जो भी पेज का मैं नाम दूंगा, लेट्स सपोज अबाउट अस, और यहाँ पे मैं कुछ डाटा डाल दूंगा उस स्टोर के अबाउट में। यहाँ पे कुछ डमी डाटा यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं चाहूँ तो कोई इमेज भी यूज़ कर सकता हूँ, जैसे मैं यही कर लेता हूँ। इसको मैं सेंटर में कर लेता हूँ, यहाँ से अलाइन सेंटर, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो ये हमारा एक डिफ़ॉल्ट पेज बन गया। अब इसमें पेज को अगर व्यू करूँ तो कुछ इस तरह से हमें ये नज़र आएगा अबाउट अस, और ये हमारा पेज है, राइट। ऑन द अदर एंड हम एक और पेज क्रिएट करते हैं, लेट्स से कॉन्टैक्ट अस का। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और सिमिलरली कॉन्टैक्ट अस, यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट ऐड करता हूँ। अब इस तरह के पेज के अंदर यहाँ पे देखें थीम टेम्पलेट, तो हम यहाँ पे जो है कॉन्टैक्ट अस का हमारा पेज यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। यहाँ पे डिफरेंट टेम्पलेट्स आपको शो होंगी कॉन्टैक्ट अस वाली या बाकी चीज़ें। तो यहाँ पे जो ये थीम की टेम्पलेट्स है ना, अगर आपका कॉन्टैक्ट अस वाला पेज है तो आप स्पेसिफिकली कॉन्टैक्ट अस वाली टेम्पलेट यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे शो नहीं हो रही। आई डोंट नो वाई, क्योंकि ये एक फ्री थीम है या सॉरी पेड थीम है, लेकिन एक लो क्वालिटी थीम है, तो इस वजह से शायद यहाँ पे ऑप्शन नज़र नहीं आ रहे। तो मैं इसको एक बार पब्लिश कर देता हूँ। तो हमारे पास अगर हम यहाँ पे देखेंगे पेजेस के अंदर आके, तो हमारे दो पेजेस पब्लिश हो चुके हैं। तो इनके अंदर जो भी डाटा हम देखना चाहें तो वो देख सकते हैं कुछ इस तरह से।
क्योंकि हमने बेसिक से यहाँ पे ऐड किया था, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस की डिटेल्स हम डाल सकते हैं या जो कुछ भी है, कॉन्टैक्ट फॉर्म भी डाल सकते हैं, लेकिन कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिए यहाँ पे इसके अंदर ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, आपके केस में हो सकता है। तो ये इस तरह से काम करेगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे मेन्यूज या नेविगेशन के अबाउट। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे नेविगेशन या मेन्यूज की। तो वेबसाइट के अंदर आपने अक्सर टॉप पे देखे होंगे मेन मेन्यू, या बॉटम के अंदर डिफरेंट लिंक्स देखे होंगे, वो किस तरह से ऐड करते हैं और मेन्यूज किस तरह से होते हैं, हमने जो कलेक्शंस बनाई थी उनको किस तरह से फ्रंट एंड पे शो करवाना है, हमने जो पेजेस बनाए थे उसको किस तरह से फ्रंट एंड पे शो करवाना है, वो सारी चीज़ें आज के लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पे देखें अगर मैं अपने स्टोर के ऊपर जाऊँ और इसके होम पेज के ऊपर कुछ इस तरह से, तो हमारे पास कुछ इस तरह से ये स्टोर अवेलेबल है, राइट। और यहाँ पे देखिए हमारे पास जो मेन्यूज़ है वहाँ पे सिर्फ दो मेन्यू है, एक ये जो है हमारे पास होम और दूसरा कैटलॉग, और यहाँ पे हमारे पास जो है मेन्यू है डिफरेंट। ओके, यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारे पास शेयर है प्रीव्यू, क्लोज प्रीव्यू, इसको मैं कर देता हूँ। और यहाँ पे देखें हमारे पास नेविगेशन का ऑप्शन मौजूद है, इस नेविगेशन के ऑप्शन पे हम आएंगे, और यहाँ पे देखें हमारे पास डिफरेंट जो है मेन मेन्यूज़ अवेलेबल है, फुटर मेन्यू अवेलेबल है। अगर हम अपने थीम के ऊपर आएँ तो यहाँ पे देखें होम, कैटलॉग, अबाउट अस, यहाँ पे तीन ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। और अगर हम बॉटम के ऊपर जाएँ तो यहाँ पे देखें ये सर्च आइकन यहाँ पे अवेलेबल है, ये देखें ये सर्च वाला ऑप्शन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब अपनी कलेक्शंस वगैरह, कैटेगरीज वगैरह जो हमने बनाई थी उनको, या पेजेस उनको हम यहाँ पे कैसे शो करवाएंगे। तो हम चलते हैं यहाँ लैपटॉप स्क्रीन पे, और यहाँ पे देखें मेन मेन्यू पे हम क्लिक करेंगे। मेन मेन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें हमारे पास होम, कैटलॉग और अबाउट अस था, यहाँ पे देखें होम, कैटलॉग और अबाउट अस यहाँ पे होम मेन मेन्यू के ऊपर नजर आ रहे हैं। तो हमें यहाँ पे और मेन्यूज ऐड करने हैं, तो सिंपल यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, हम लेट्स सपोज कॉन्टेक्ट अस का पेज यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन, और यहाँ पे हमारे सारे पेजेस नज़र आ जाएंगे। हम कॉन्टैक्ट अस को यहाँ पे ऐड कर देंगे, और मैं इसको यहाँ से सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसको रीलोड करूँगा, तो यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट अस का वही पेज यहाँ पे हमारे पास शो हो चुका है। अब सिमिलरली इसको अगर मैं बॉटम में शो करना चाहूँ तो मैं यहाँ से बैक जाऊँगा, और यहाँ पे देखिए हमारे पास फुटर मेन्यू अवेलेबल है, और फुटर मेन्यू के में यहाँ पे सर्च आइटम है, मैं यहाँ पे और आइटम्स ऐड करना चाहता हूँ। लेट्स सपोज मैं अबाउट का ऑप्शन पेज ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से अबाउट इसको मैंने ऐड कर दिया। अगेन कॉन्टैक्ट को भी मैं फुटर के अंदर ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट को भी ऐड कर दूंगा। और यहाँ पे मैं अगर कलेक्शन को भी ऐड करना चाहूँ, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे शूज़, और हमारे पास शूज़ की यहाँ पे देखें कलेक्शंस के ऑप्शंस हैं, और यहाँ पे देखें शूज़ वाली जो कलेक्शन है वो हमने बनाई थी वो यहाँ पे शो हो गई। तो मैं इसको सेव कर दिया, मेन मेन्यू सेव मेन्यू कर दिया। अब मैं अगर अपना फ्रंट एंड यहाँ से रीलोड करता हूँ, और मैंने फुटर मेन्यू के अंदर ये चीज़ें ऐड की थी, तो यहाँ पे देखें वो ऑप्शन यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। देखें ये कलेक्शन भी ऐड हो चुकी है। अगर इसको मैं क्लिक करूँगा तो इसके अंदर जितने भी प्रोडक्ट होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। राइट नाउ कोई प्रोडक्ट नहीं है, हम चलते हैं प्रोडक्ट के अंदर, और मैं आपको एक क्विक सा डेमो दिखा देता हूँ। हमने शूज़ के अंदर इसको ऐड किया था, तो और यहाँ पे शूज़ वाला ऑप्शन नहीं आ रहा, आई डोंट नो वाई, शायद कोई और इशू है। तो वापस आते हैं कलेक्शंस में, और यहाँ पे शूज़ के अंदर शायद इस वजह से ये नहीं शो हो रहा। तो हम क्या करते हैं, हम एक और कलेक्शन ऐड कर देते हैं, शूज़ टू, और इसको मैं क्या कर देता हूँ मैनुअल पे रख देता हूँ और सेव कर देता हूँ। अब अगर हम यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर आए, एडिट करें इसको, और यहाँ पे कलेक्शंस के अंदर जाके देखें, तो ये देखें शूज़ टू। और सिमिलरली इसको हम अब मेन मेन्यू में शो करना चाहते हैं, तो हम नेविगेशन के ऊपर आएंगे, और यहाँ पे आके ये मेन फुट मेन्यू के अंदर शो करवा देते हैं, मेन्यू शू टू, और यहाँ पे हम कलेक्शंस के अंदर आएंगे और हमारे पास वो कलेक्शन नज़र आएगी शूज़ टू, और इसको हम डिलीट कर देते हैं।
ये बेसिकली मेन्यू से तो डिलीट हुई है लेकिन ये कलेक्शन एक्चुअल में है, सिर्फ फ्रंट एंड से अपीयर होना गायब हुआ है, राइट। ये बात आप समझ रहे होंगे कि कलेक्शन तो बैक एंड पे है लेकिन मेन्यू से हम फ्रंट एंड पे शो करवा रहे हैं उसको। तो अब देखें यहाँ पे ये शूट टू वाली आ गई और इसके अंदर ये एक प्रोडक्ट है। अगर कोई और प्रोडक्ट हम इसके अंदर ऐड करना चाहेंगे, लेट्स से यहाँ पे मैं एक और प्रोडक्ट ऐड कर देता हूँ, शर्ट। यहाँ पे मैं कुछ भी डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ और इसके अंदर मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए कोई और इमेज यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। लेट्स से डाउनलोड्स के अंदर से मैं कोई और इमेज यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। लेट्स से ये मैंने यूज़ कर ली और इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ। पब्लिश करने से पहले सॉरी, इसको कलेक्शन में मैं शूज़ टू के अंदर ऐड कर दूँगा। और राइट नाउ मेरे पास यही इमेज थी तो मैंने लगा दी। और अब अगर मैं इस पूरी कलेक्शन को रिलोड करूं, देखें वही इसी के अंदर आ गया, नज़र आ गया। तो इस तरह से आपकी कलेक्शंस काम करती हैं, इस तरह से आपका मेन्यूज काम करते हैं और इस तरह से आपकी बाकी सारी चीज़ों का फ्रंट एंड पे शो करवा सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आई होगी कि किस तरह से कलेक्शंस काम करते हैं और किस तरह से आप इनको यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट पर्पजेज के लिए अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे किस तरह से आप शॉपिफाई स्टोर के अंदर अपना एक कस्टम डोमेन ऐड कर सकते हैं। कस्टम डोमेन से क्या मुराद है? नॉर्मली आपका जो डोमेन है वो कुछ इस तरह से, मतलब एक सब डोमेन नज़र आ रहा होता है। हम लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर चल के आपके दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखें, अगर मैं अपना स्टोर के ऊपर जाऊँ तो यहाँ पे देखें कुछ इस तरह से डोमेन नज़र आ रहा था, जबकि यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखें हमारे पास जो डोमेन नज़र आ रहा है वो कुछ इस तरह से आ रहा है, helmboots.com। तो इस तरह से आप किस तरह से अपनी डोमेन जो है ऐड कर सकते हैं अपने शॉपिफाई स्टोर के अंदर। बेसिकली आपको एक डोमेन बाय करनी पड़ेगी। डोमेन की प्राइस $9 से लेके $14 के दरमियान ऑलमोस्ट होती है। तो किस तरह से आप करेंगे, सिंपल हम यहाँ पे आ जाएंगे, ये हमारे पास होम पेज है, सिंपल सेटिंग्स के अंदर आएंगे और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आएगा डोमेन्स। तो सिंपल हम डायरेक्टली यहीं से भी बाय कर सकते हैं। हमारे पास क्या कर सकते हैं, सिंपल यहाँ पे बाय डोमेन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपनी डोमेन नेम सर्च करेंगे। लेट्स सपोज मैं सर्च करता हूँ और यहाँ पे देखें ये अवेलेबल है, तो इसको मैं सिंपल यहाँ पे क्लिक करूँगा बाय। और यहाँ पे देखें ये हमें बिलिंग पे ले आया। यहाँ पे मुझे एक पेमेंट मेथड ऐड करना पड़ेगा, अपना कार्ड अटैच करना पड़ेगा और उस कार्ड को यूज़ करते हुए यहाँ पे हमारी जो डोमेन है वो बाय हो जाएगी, राइट। एक तो तरीका ये है, आप यहीं से डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने किसी और प्लेटफॉर्म पर डोमेन बाय की हो, जैसे नेमचीप हो गया, गोडैडी हो गया, ब्लू होस्ट हो गया, वहाँ से आपने डोमेन बाय की हो और आप उसको यहाँ पे कनेक्ट करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए तरीकाकार सिंपल है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन। सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे उस डोमेन का नाम लिखेंगे। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ यहाँ पे ehsandanish.com और मैंने यहाँ पे इस तरह सर्च कर दिया। अब जैसे ही यहाँ पे सर्च करिएगा कनेक्टिंग योर डोमेन, टू कनेक्ट योर डोमेन फॉलो द इंस्ट्रक्शन चेंज योर प्रोवाइडर अकाउंट सेटिंग्स। तो आपने क्या करना है, सिंपल इस सेटिंग्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखें कंप्लीट डिटेल्स के अंदर हमें वो सेटिंग्स बताई गई हैं जो कि हमें ऐड करनी है अपने डोमेन के अंदर। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, लेट्स से ये मेरी डोमेन है यहाँ पे, तो मैं इसको मैनेज करूँगा मैं। और यहाँ पे हमारे पास है DNS, राइट, और यहाँ पे हमारे पास है एडवांस DNS। तो बेसिकली डोमेन नेम सर्वर्स हैं ये, यहाँ पे फाइंड नेम सर्वर्स, स्टैंडर्ड नेम सर्वर्स। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, नेम सर्वर्स चेंज करने पड़ता है, शॉपिफाई के नेम सर्वर्स यहाँ पे ऐड करने होंगे हमें। तो वो किस तरह से करेंगे, आप सिंपल आपने ये वीडियो देखनी और यहाँ पे कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस आपको अवेलेबल होंगे कंसीडरिंग। और यहाँ पे जो है उन्होंने सारी चीज़ें बताई हुई हैं आपको। लेट्स से हम यहाँ पे देखते हैं कनेक्ट विद थर्ड पार्टी डोमेन टू शॉपिफाई मैनुअली, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखें हमें कंप्लीट जो है वो इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दे दी है कि ये वाले आईपी ऐड करने, ये वाले आपकी डब्ल्यूसी नेम है। तो उन्होंने यहाँ पे बताया कि आप अपने डोमेन की सेटिंग्स में जाएं,
कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन करें। अब यहाँ पे जो है ये सी नेम और ये किस तरह से वेरीफाई करना है और इनको किस तरह से ऐड करना है अपने डोमेन के अंदर, तो आप एक स्टेप बैक जाएंगे तो सिंपल आपने ये वीडियो देखनी और ये आपको एग्जैक्टली वैसे ही बता देगा कि किस तरह से आपने कौन कौन सी चीज़ें इस डोमेन के अंदर, ये जो आपकी डोमेन है इसके नेम सर्वर्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आपने चेंज करनी है और किस किस तरह से चेंज करनी है। तो नॉर्मली जो होता है वो यहाँ पे हमें अपने सी नेम, ए नेम्स और जो शॉपिफाई का आईपी है वो ऐड करना होता है अपने डोमेन के अंदर। तो इस तरह से अगर कोई भी परेशानी आ रही है, आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे नीचे कमेंट करें, मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। बट राइट नाउ मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से ये दोनों काम करेंगे और वहीं पे एक रिसोर्स भी अवेलेबल है जिसको मजीद फॉलो करके आप अपनी कस्टम डोमेन ऐड कर सकते हैं अपने शॉपिफाई स्टोर के अंदर। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि किस तरह से आप प्राइवेसी पॉलिसीज और अदर पेजेस लाइक टर्म्स एंड कंडीशंस या रिफंड पॉलिसीज, इस तरह की पॉलिसीज किस तरह से राइट कर सकते हैं और किस तरह से अपने स्टोर के अंदर ऐड करेंगे। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, इनको मजीद देखते हैं। हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे देखें हमारे पास कुछ ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। सिंपल हमने जाना है यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर और यहाँ पे हमारे पास लास्ट ऑप्शन है पॉलिसीज। यहाँ पे हर पॉलिसी के लिए डिफरेंट यहाँ पे बॉक्स है। तो हम क्या करेंगे, जैसे रिफंड पॉलिसीज यहाँ पे क्रिएट टेम्पलेट कर देंगे और शॉपिफाई ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो उसके पास टेम्पलेट मौजूद है उसको यहाँ पे ऐड कर देगी। अब इसके अंदर जो चीज़ें भी आपने चेंज करनी है, थोड़ी बहुत कोई ईमेल चेंज करना है, एड्रेस यहाँ पे ऐड करना है आपने, तो इनको आपने खुद ही ऐड कर लेना है। सिमिलरली हम प्राइवेसी पॉलिसीज को इस तरह से जनरेट कर लेंगे, लेकिन इसके अंदर हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे देखें, ये ऑप्शन इन्होंने इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि हमें अपने स्टोर के मुताबिक यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, मतलब इसको थोड़ा बहुत अल्टर करना पड़ेगा आपको। सिमिलरली टर्म ऑफ सर्विसेज, शिपिंग पॉलिसी, अब हो सकता है आपकी शिपिंग पॉलिसी डिफरेंट हो, आपने वो यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। शॉपिफाई उसके लिए कोई टेम्पलेट यहाँ पे अवेलेबल नहीं करता। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आप टेम्पलेट क्रिएट करते हैं और इनको आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे फ़ोन नंबर आप अलहदा से ऐड कर सकते हैं, जो भी चाहे चेंज करके इनको सेव कर दें। तो ये आपकी पॉलिसीज जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुकी हैं। अब जब भी कोई बंदा यहाँ से आपका स्टोर के से ऑर्डर कर रहा होगा या उसको पॉलिसीज वहाँ पे नजर आएंगी जब वो चेकआउट कर रहा होगा आपका प्रोडक्ट, तो आपकी पॉलिसीज, रिफंड पॉलिसीज और बाकी सारी चीज़ों को इजीली पढ़ सकता है। अगर आपके इसके अलावा और पेजेस या और कोई पॉलिसी है आपके स्टोर की, तो वो आप किस तरह से ऐड कर सकते हैं। इन फील्ड्स के अलावा कोई और पॉलिसी है तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल एक पेज बनाएं, उस पेज के अंदर आपने वो कंटेंट डालना है, उस कंटेंट को पब्लिश कर देना उस पेज को, और उस पेज को आप फ्रंट एंड पे मेन्यूज़ के जरिए शो करवा दें। सिंपल जैसे हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर देखा था, चाहे हेडर में या फुटर में, जहाँ पे भी आप चाहें शो करवाना। तो आई होप आपको समझ आई होगी कि किस तरह से पॉलिसीज़ वगैरह शॉपिफाई स्टोर के अंदर ऐड करते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। इस स्पेसिफिक लेक्चर के अंदर, मॉड्यूल के अंदर, हम कंप्लीट बात करेंगे स्टोर डिज़ाइनिंग और कस्टमाइजेशन के रेलेवेंट जो जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उन सारी चीज़ों के अबाउट बात करेंगे, जिसके अंदर हम कवर करेंगे स्टोर कस्टमाइज किस तरह से होता है, डिफरेंट थीम्स क्या होते हैं, पेड थीम किस तरह से इंस्टॉल करना है, फ्री थीम कहाँ से लेना है, किस तरह से सेटअप करना है, इन सारी चीज़ों के अबाउट डिटेल के अंदर इस पूरे मॉड्यूल के अंदर बात करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकली। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे थीम्स के अबाउट। तो बेसिकली आप सब लोगों को पता है कि एक थीम क्या होता है। थीम बेसिकली एक प्री बिल्ट पैकेज होता है, डिज़ाइन पैकेज होता है आपको अपने स्टोर डिज़ाइन करने के लिए। सिंपल आपको वो पैकेज लेना होता है, इंस्टॉल करना होता है अपने स्टोर के अंदर, आपका स्टोर उसी तरह से डिज़ाइन हो जाता है और उसके अंदर मज़ीद फिर आपको जो भी चेंजेस या कस्टमाइजेशन करनी होती हैं वो आप कर सकते हैं अपने स्टोर के अंदर रहते हुए। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि किस तरह से ये काम करेगा। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे देखें हमें ऑप्शन मिल जाता है थीम्स की। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि फ्री थीम्स क्या होता है और पेड थीम्स क्या होते हैं। बेसिकली फ्री थीम्स वो होते हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं शॉपिफाई के स्टोर के अंदर ही। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे ऐड थीम करूँ, तो विजिट थीम स्टोर पे मैं क्लिक करूँ, तो यहाँ पे देखें हमारे पास
डिफरेंट थीम्स का ऑप्शंस आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं फ्री थीम्स के, तो यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे ऑप्शंस जो हैं वो फ्री थीम के हमारे पास अवेलेबल है। और ये शॉपिफाई का अपना स्टोर है जहाँ से आप प्रीमियम थीम्स बाय कर सकते हैं, ये देखें $260 का। और यहाँ पे देखें ये फ्री थीम है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखें ये फ्री थीम है, ये पेड थीम है, तो डिफरेंट मिक्सचर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जो भी जिस तरह का भी थीम आपको चाहिए होगा वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। जैसे स्टार्टअप $220 का, और ये डॉन वो है ये फ्री है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक थीम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो फ्री और पेड थीम के अंदर फ़र्क क्या होता है, फ्री थीम के अंदर बेसिकली लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं कस्टमाइजेशन के भी, और डिज़ाइनिंग भी उसकी लिमिटेड होती है, आप ज़्यादा एक्सटेंडेड उसको कस्टमाइज नहीं कर सकते। ऑन द अदर हैंड जो पेड थीम्स होते हैं उनको आप कस्टमाइज कर सकते हैं, और उनके अंदर अच्छी बहुत ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ होती हैं। जैसे अब आपको पेड थीम लेना है तो आप कहाँ से लेंगे, यहाँ से आप जैसे व्यू ऑल थीम करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारे थीम्स आपको नज़र आ जाएंगे जो कि पेड होंगे और आपको बाय कर सकते हो। उसके अलावा डिफरेंट मार्केट प्लेसेस हैं जहाँ से आप थीम्स ले सकते हैं, जैसे थीम फॉरेस्ट, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप डिफरेंट थीम्स ले सकते हैं शॉपिफाई के लिए। थीम फॉरेस्ट, लेट मी टाइप इट अगेन। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम शॉपिफाई का कोई भी यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए, जैसे ई कॉमर्स, ये ई कॉमर्स रहा। और यहाँ पे देखें हमारे पास शॉपिफाई का ऑप्शन रहा, इसके रेलिवेंट जितनी भी ऐप्स या थीम्स मौजूद है यहाँ पे देखें डिफरेंट थीम्स मौजूद हैं और उनके डिफरेंट डिफरेंट प्राइस हैं। यहाँ से आपको अगर कोई थीम आप बाय करना चाह रहे हैं, बहुत अच्छे आउटस्टैंडिंग थीम्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे और इकोनॉमिकल प्राइस के अंदर। लेकिन मैं रिकमेंड आपको यही करूँगा कि आप फ्री थीम्स ही यूज़ करें, वो मोर देन इनफ होते हैं आप किसी भी तरह के डिज़ाइनिंग करने के लिए। बट अगर स्टिल आपका क्लाइंट या आपको कोई स्पेसिफिक थीम पसंद है जो कि पेड है, तो आप वो बाय कर सकते हैं इन डिफरेंट मार्केट प्लेसेस से, राइट। तो आपको हर तरह का थीम यहाँ से मिल जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया कि फ्री थीम किस तरह से आप यूज़ करते हैं और पेड थीम किस तरह से यूज़ करते हैं, और कौन कौन सी मार्केट प्लेसेस है जहाँ से आप फ्री या पेड थीम ले सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन है हमारे पास, इन्वेटो एलिमेंट्स। यहाँ इसकी जस्ट आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी, और इंडिविजुअल थीम के बाय करने के लिए की बजाय आपको यहाँ पे देखिए, अगर मैं CMS पे जाऊँ और शॉपिफाई पे जाऊँ, तो यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट 280 शॉपिफाई थीम्स अवेलेबल हैं। आप इनको सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन के अंडर ही सबको डाउनलोड कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड थीम फॉरेस्ट के ऊपर हर एक सिंगल आइटम के लिए आपको अलहदा से पे करके इसको बाय करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ इन्वेटो एलिमेंट से की सब्सक्रिप्शन लेते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे आप इसकी सब्सक्रिप्शन है $16 पर मंथ की, इसके बाद आप ये सारे रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं, अनलिमिटेड डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें शॉपिफाई के 280 थीम्स मौजूद हैं, और यहाँ पे जो भी थीम आप डाउनलोड करना चाहें वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने आपको बेसिक बता दिया, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे किस तरह से एक फ्री और पेड थीम को इंस्टॉल करते हैं हम अपने शॉपिफाई स्टोर के अंदर, और मज़ीद जानते हैं उसके अबाउट। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से आप एक फ्री थीम इंस्टॉल कर सकते हैं अपने शॉपिफाई स्टोर के अंदर। तो चले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं प्रैक्टिकली किस तरह से ये होगा। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे सिंपल आपको ऑनलाइन स्टोर के अंदर आना है। मैं बता चुका हूँ इस ऑप्शन के अंदर जो भी ऑप्शन है आपके स्टोर के अपेयरेंस के रेलिवेंट, जो भी काम आपने करना है वो इन ऑप्शन को यूज़ करते हुए करना है। तो यहाँ पे देखें ऑलरेडी हमारा जो थीम है वो यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ से हमारे पास काफ़ी सारे फ्री थीम्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो लेट्स सपोज मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो है ऐड थीम करता हूँ और विजिट स्टोर अपलोड जिप फ्रॉम GitHub। अब अपलोड जो है वो पेड थीम्स के लिए होता है, वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे। अभी हम फ्री थीम्स के अबाउट जाते हैं, तो हम इस पर क्लिक करते हैं विजिट स्टोर के ऊपर। तो यहाँ पे देखें डिफरेंट थीम्स अवेलेबल हैं जो कि पेड भी हैं फ्री भी हैं। तो हम क्या करते हैं, एक फ्री थीम यहाँ से क्या करते हैं ऐड करते हैं अपने स्टोर के अंदर। लेट्स सपोज मैं ये इस पर क्लिक करता हूँ, ये थीम मुझे अच्छा लग रहा है। तो इस पर सिंपल क्लिक करने के बाद सिंपल यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा ट्राई थीम। ट्राई थीम करने के बाद सिंपल मेरा जो स्टोर है वो यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा।
तो सिंपल यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा ऐड थीम के ऊपर और यहाँ पे अपलोड होना स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो अब हमारे पास जो दो थीम है वो यहाँ पे, एक डॉन थीम है जो कि करंट थीम है और ये थीम लाइब्रेरी, ये है दूसरा, सॉरी इसका जो थीम लाइब्रेरी, यहाँ से हम इसको कस्टमाइज़ करेंगे, यहाँ से हम विजुअली कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली ये थीम है, ये इसको, ये थोड़ा सा लोड हो रहा है, इसको लोड होने दें, उसके बाद हम इसको देखेंगे कि क्या करना है हमने इसके साथ। तो अगर मैं इसको प्रीव्यू करूँ सिंपल, ये ऐड भी हो चुका है। तो अब अगर मैं यहाँ इसको पब्लिश करूँगा राइट नाउ, अगर मैं अपने स्टोर को देखूँ तो उसके ऊपर ये थीम अवेलेबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये थीम हमारे पास अवेलेबल है इस तरह से कुछ। मैं इसको क्या कर देता हूँ, पब्लिश कर देता हूँ। पब्लिश का मतलब ये है कि ये थीम अब मेरे स्टोर के ऊपर इम्प्लीमेंट हो चुका है और नॉर्मल यूज़र्स को ये जो है वो नज़र आएगा। मैं इसको दोबारा से रीलोड करता हूँ तो यहाँ पे देखें ये कुछ इस तरह से हमारे पास थीम का कंप्लीट लेआउट आ चुका है। कभी भी जो इमेजेस हैं वो सारी इमेजेस एज इट इज़ यहाँ पे नहीं आएंगी, इस तरह से लेआउट आएगा और उसकी इमेजेस जो हैं, जो भी आपकी इमेजेस होंगी प्रोडक्ट की, वो आप उसको ऐड कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे एक फ्री थीम इंस्टॉल कर चुके हैं और इसको हम देख चुके हैं। यहाँ पे देखें एक्टिव जो डॉन है वो करंट थीम है और वो एक्टिव है, पब्लिश्ड है। तो इसको मैं अगेन अगर पब्लिश कर दूँ तो सिंपल यहाँ पे ये पब्लिश शो हो रहा है और ये इस टाइम पब्लिश्ड है राइट। व्यू स्टोर, अगेन मैं अब स्टोर देख लेता हूँ तो सेम वही हमने जो थीम इंस्टॉल किया था वो यहाँ पे आ चुका है। तो आई होप आपको समझ आई होगी कि फ्री थीम किस तरह से इंस्टॉल करते हैं। आगे चल के लेक्चर्स के अंदर हम इनको कस्टमाइज़ भी करना सीखेंगे, बट राइट नाउ आप किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि एक पेड थीम को किस तरह से आप इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके अंदर क्या क्या फाइल्स मौजूद होती हैं। तो चलें चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं प्रैक्टिकली कि किस तरह से ये काम हम करेंगे। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पर देखें हमारे पास एक थीम मैंने डाउनलोड किया हुआ है, ये वाला। अगर मैं इस थीम को आपको दिखाऊँ तो बेसिकली ये थीम हमने डाउनलोड किया है। आई डोंट नो वाई ये इस टाइम क्यों शो नहीं हो रहा। टेक ओके, तो यहाँ पे देखें ये एक शॉपिफाई का थीम है जो हमने डाउनलोड किया है। अगर मैं इसका फ्रंट फेस आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। इसको हम लोड कर लेते हैं जरा। यहाँ पे देखें इस तरह से कुछ डिज़ाइन है। यहाँ पे हमारे पास कैटेगरीज शो हो जाती हैं। यहाँ पे कुछ मेन मेन्यू है, लॉगिन और रजिस्टर के ऑप्शन है। यहाँ पे कुछ ऐड का ऑप्शन है, इसको हम इस तरह से कट भी कर सकते हैं। और कुछ इस तरह से इसका डिज़ाइन है पूरे स्टोर का राइट। तो ये हमने डाउनलोड किया। अब इसको हम अपलोड करके देखते हैं। लैपटॉप स्क्रीन पर आ चुके हैं, ऐड थीम पर क्लिक करेंगे। ये करने से पहले हम क्या करते हैं, अपने इस थीम के ऊपर जाते हैं और इसको अनपैक करते हैं। सिंपल मैं इसको डबल क्लिक करूंगा और अनपैक हो चुका है ये। इसके अंदर फिर मज़ीद काफ़ी सारी फाइल्स हैं। ये डेमो फाइल्स हैं, ये डॉक्यूमेंटेशंस की फाइल्स हैं और यहाँ पे हमारे पास हमारा एक्चुअल थीम है जो कि हमारा अपलोडेबल फाइल है राइट। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आपको वो तमाम चीज़ें मिलेंगे जो इस थीम को अपलोड या इसकी सेटिंग करने के लिए, इसको कस्टमाइज़ करने के लिए जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो इस के अंदर मिल जाएंगे। अगर आप इसको इस तरह से ओपन करें तो इस तरह से इसकी कंप्लीट जो है वो आपको डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी कि किस तरह से इसको इंस्टॉल करना है, एक्टिव करना है, प्रोडक्ट का प्रीव्यू किस तरह से सेट करना है, कस्टमर अकाउंट किस तरह से बनाएगा, ये सारी चीज़ें, थीम का कस्टमाइजेशन जर किस तरह से काम करेगा, ये सारे ऑप्शन यहाँ पर मौजूद हैं और आप यहाँ से उस स्पेसिफिक थीम के रेलिवेंट लर्न कर सकते हैं। और ये ऑप्शन, ये डॉक्यूमेंटेशन हर थीम के साथ आपको मिलेगी कि उस थीम को अगर आपको नहीं समझ आ रही थी उसकी डॉक्यूमेंटेशन आप पढ़ सकते हैं। तो चलें चलते हैं, हम ज़रा इंस्टॉल करते हैं अपने थीम को। सिंपल यहाँ पे मैं अपलोड फ्रॉम जिप यहाँ पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मैं डेस्कटॉप पे आया और यहाँ पे हमारे पास थीम है और हमारे पास ये अपलोडेबल फाइल है। इसको सिंपल मैंने क्लिक किया और अपलोड पे क्लिक करूँगा।
थोड़ा सा टाइम लेगा। टाइम लेने के बाद ये सिंपली यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद यहाँ पे हम इसको एक्टिवेट कर देंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, हम एक ही टाइम में अपने एक शॉपिफाई स्टोर के अंदर डिफरेंट थीम्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन एट अ टाइम एक ही थीम जो है वो एक्टिव होगा हमारे स्टोर के ऊपर, जो कि नॉर्मल यूजर्स को नजर आएगा। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, लेट्स सपोज आपका एक मेन डिज़ाइन जो है वो ऑलरेडी आपके स्टोर के ऊपर है, अब आपको नया थीम इंस्टॉल करना है या अपने स्टोर की जो है लुक चेंज करनी है, उसको रीडिज़ाइन करना है, तो वो वैसे ही रहेगा। आप नया थीम इंस्टॉल करोगे उसको पब्लिश मत कीजिएगा, पहले उसको कंप्लीट कस्टमाइज़ कर लीजिएगा। जब वो कस्टमाइज़ हो जाए, आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हो जाए, जस्ट सिंपल उसको फिर आपने पब्लिश करना है, जो कि रिप्लेस कर लेगा। अब यहाँ पे देखिए, मैंने ये ऐड किया है, ये थीम लाइब्रेरी के अंदर आ रहा है, लेकिन अभी भी हमारा जो एक्टिव थीम है वो डॉन थीम है। अगर मैं इसको रिलोड भी करके दिखा दूँ आपको, यहाँ पे देखें एक्टिव थीम अभी भी डाउन ही है, तो सिंपल अगर मैं इसको पब्लिश कर दूंगा तो ये यहाँ पे नहीं रहेगा, बल्कि ये प्लैनेट थीम यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर मैं इसको रिलोड करूँ तो यहाँ पे देखें सेम वही डाउन थीम जो है हमारे पास अवेलेबल है। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल अगर इसको पब्लिश कर देता हूँ, आप इसको पब्लिश किए बिना भी कस्टमाइज कर सकते हैं, मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ, तो अब देखें यहाँ पे जो करंट थीम है वो प्लैनेट है। और अगर मैं इसको रिलोड करता हूँ अगेन, तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो हमारा स्टोर का डिज़ाइन है वो कुछ इस तरह से नज़र आ चुका है, राइट। अब यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो ये है कि हमारे पास यहाँ पे सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, और हमने देख लिया कि किस तरह से एक पेड थीम जो है वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इनकी कस्टमाइजेशंस के अबाउट बात करेंगे, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं शॉपिफाई थीम कस्टमाइजेशन या डिज़ाइन कस्टमाइजेशन, किस तरह से हम अपने स्टोर को कस्टमाइज करेंगे, उसके अंदर कोई भी सेक्शन ऐड करेंगे, डिलीट करेंगे या उसको चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर नीड। तो चले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि किस तरह से ये सारा काम हम करेंगे। हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे देखें हम थीम्स के ऑप्शन के अंदर आ गए और हमारा करंट थीम ये है। अब ऑब्वियसली बात है, अगर मैं इस थीम को कुछ इस तरह से देखूं, मैं अपने स्टोर को राइट नाउ अभी देखूं, तो वो कुछ इस तरह से है मौजूद है। इसके अंदर देखें यहाँ पे ये टेक्स्ट हैं, ये कॉलम्स हैं, मैं ये नहीं चाहता तो मैं इनको डिलीट कर सकता हूँ, इनकी जगह पे कोई और टेक्स्ट वगैरह ऐड कर सकता हूँ, यहाँ पे ये वीडियो ऐड कर सकता हूँ, इमेजेस वगैरह यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, यहाँ के बैकग्राउंड पे इमेज ऐड कर सकता हूँ, या कोई और सेक्शन जो मुझे चाहिए लेकिन यहाँ पे मौजूद नहीं है वो किस तरह से ऐड करूँगा। तो सिंपल हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इसके आगे बिल्कुल कस्टमाइजेशन के अबाउट। तो सिंपल जैसे मैंने कस्टमाइज पे क्लिक किया तो हमारे पास कुछ इस तरह से इसकी एडिटिंग आ गई। अब लेफ्ट साइड पे हमारे पास पूरे इस डिज़ाइन का स्ट्रक्चर मौजूद है। यहाँ पे देखिए इमेज बैनर, ये देखें ये ब्लू भी हो गया है, मतलब इस पूरे इमेज बैनर की जो सेटिंग्स हैं वो इसके अंदर आएंगी। लेट्स सपोज आपको ये बटन चेंज करना है तो आप इस बटन पर क्लिक करेंगे और इस स्पेसिफिक एलिमेंट की जो सेटिंग्स हैं वो आपको राइट साइड पर नज़र आएंगे। जैसे यहाँ पे शॉप ऑल लिखा हुआ है, मैं यहाँ इसको कर देता हूँ शॉप नाउ, ठीक है। अब कोई भी बंदा इस पर क्लिक करे तो वो कहाँ पे रीडायरेक्ट हो, यहाँ पे मैं उसका लिंक दे सकता हूँ, ठीक है। सिलेक्ट कर सकता हूँ कोई भी प्रोडक्ट, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ यार ये इस प्रोडक्ट पे रीडायरेक्ट हो जाए जब भी कोई बंदा इस पर क्लिक करे। अगर मैं इसको सेव करूँ, सेव करने के बाद मैं इसको रिलोड करूँ तो यहाँ पे देखें शॉप नाउ, और जब इस पर क्लिक करूँगा तो वो उस प्रोडक्ट के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएगा, राइट। तो कुल मिला के बात यह है कि लेफ्ट साइड पे हमारे पास टोटल एलिमेंट्स में, दरमियान में हमें विजुअली अपना जो डिज़ाइन है वो नज़र आ रहा है, और राइट साइड पे उस एलिमेंट का जो सेटिंग्स हैं वो नज़र आएंगी, राइट। तो यहाँ पे देखें इनके अंदर जो चीज़ें भी आपने चेंज करनी है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज ये बैनर इमेज है, यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज हमें लगानी है, ये टेक्स्ट है, और इस पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखें हम यहाँ से इमेज चूज़ कर सकते हैं, सिलेक्ट एन इमेज, और यहाँ से क्या कर सकते हैं, फ्री इमेजेस भी ले सकते हैं और अपनी लाइब्रेरी से, अपने लैपटॉप से यहाँ से अपलोड भी कर सकते हैं। राइट नाउ मैं यहाँ पे शूज़ की इमेज यूज़ करूँगा, तो लेट्स से हम ये वाली इमेज यूज़ कर लेते हैं,
तो यहाँ पे देखें ये इमेज आ गई। इस टेक्स्ट को यूज़ कर लेते हैं, इस टेक्स्ट को हम चेंज कर लेते हैं योर प्रीमियम शूज हेयर, ठीक है। और यहाँ पे हम जो भी इसको हम डिलीट करना चाहें, ये मैं नहीं चाहता, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इस पर क्लिक करके मज़ीद इसकी जो है, इसको मैं सेटिंग्स मीडियम करना चाहूँ, इसको इसका साइज़ छोटा करना चाहूँ, स्मॉल करना चाहूँ, तो यहाँ पे डिफरेंट प्री डिफ़ॉल्ट जो है सेटिंग्स मौजूद हैं। अच्छा, ये वाली जो सेटिंग्स हैं, ये जितनी भी सेटिंग्स हमें लेफ़्ट साइड पर नज़र आ रही है, राइट साइड पर, ये हर थीम की डिफरेंट होंगी। मैं यूज़ कर रहा हूँ डॉन थीम, तो इसकी ये सेटिंग्स हैं। आप कोई और थीम यूज़ कर रहे होगे तो उसके अंदर डिफरेंट सेटिंग्स होंगी, लेकिन ऑप्शन सेम इसी तरह से ही नज़र आ रहे होंगे आपको। लेफ्ट साइड पे इस तरह से आपके एलिमेंट्स, राइट साइड पे उनकी सेटिंग्स और दरमियान में डिज़ाइन, और बस आपने उनके साथ प्ले करना है, जो भी चीज़ें चेंज करनी है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये टेक्स्ट इस तरह से आप एडिट कर सकते हैं। लेट्स सपोज अब हम नीचे आ जाते हैं, ये हमारे पास टेक्स्ट है, इसको अगेन हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो साइज़ है वो मैनेज कर सकते हैं, एक्स्ट्रा लार्ज पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अगेन ये वाला है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये देखें ये कलेक्शन है। यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा कलेक्शंस जो भी हमने बनाई हैं, जैसे शो टू हो गई, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे देखें उस वाला प्रोडक्ट यहाँ पे शो होगी ऑटोमेटिकली, डायनेमिकली, जो हमने प्रीवियसली लेक्चर्स के अंदर क्रिएट की थी, ठीक है। तो इस तरह से आप उनको शो करवा सकते हैं। फिर यहाँ पे आप कोई वीडियो का सोर्स डाल सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब पे कोई वीडियो अपलोड करके उस वीडियो का लिंक आप यहाँ पे देंगे तो वो वीडियो यहाँ पे प्ले होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आप इन ऑप्शंस को यूज़ करते हुए अपने स्टोर को डिज़ाइन कर सकते हैं। अब लेट्स से मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो सेक्शन है ये बाद में आए और ये वाला सेक्शन पहले आए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हमारे पास वीडियो वाला सेक्शन है और यहाँ पे हमारे पास ये कॉलेज वाला सेक्शन है, तो मैं इसको इस तरह से उठा के इसे ऊपर रख दूँगा। अब देखें हमारा जो ये ऑप्शन है ये पहले आ गया और ये बाद में आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको स्वैप कर सकते हैं। मज़ीद लेट्स से अब हम यहाँ पे आ चुके हैं इस सेक्शन के अंदर, तो अब मुझे यहाँ पे एक दो तीन कॉलम्स हैं, मैं चाहता हूँ यहाँ पे दो कॉलम्स हों, तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा और इस कॉलम को रिमूव कर दूँगा। अब देखें यहाँ पे मुझे दो कॉलम्स हैं, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे ये जो जगह खाली है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये दो कॉलम्स ही पूरी जगह के अंदर हैं, तो यहाँ पे देखें हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स टू, वन सेकेंड मैं इसको ज़रा सेलेक्ट कर लूँ, नंबर ऑफ कॉलम्स वन, ओके। तो इसके अंदर आई गेस नंबर ऑफ कॉलम टू, और यहाँ पे हमारे पास वो ऑप्शन है नहीं, वन थर्ड ऑफ द कॉलम विथ हाफ, ठीक है। यहाँ पे वो अच्छा, यहाँ पे देखें कॉलम थ्री, यहाँ पे इसको मैंने टू कर दिया, देखें ये पूरा शो हो गया। अब मैं चाहता हूँ ये मतलब चार कॉलम्स हों यहाँ पे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको सिंपली इसको क्या कर सकता हूँ, इस पर क्लिक करूँगा, इस पर इस तरह से, सॉरी, इसको मैं यहाँ पे ऐड कॉलम कर दूंगा, ठीक है। ये एक और ऐड कॉलम हो गया, मज़ीद एक और करना चाहूँगा, एक और ऐड हो गया, कुछ इस तरह से। अब मैं चाहता हूँ ये चारों एक ही लाइन में आए, तो मैं इस पूरे सेक्शन की सेटिंग में आऊँगा कुछ इस तरह से, और यहाँ पे देखें मैं इसको चार कर दूंगा, तो ये देखें ये चारों एक ही सेक्शन में आ गए। तो इस तरह से आप इसे प्ले कर सकते हैं और कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने थीम को कम्प्लीटली, जिस तरह से भी आप चाहें, तो सेम इसी तरह से सेटिंग्स होंगी। अब लेट्स से मैं चाहता हूँ ये सेक्शन मुझे चाहिए ही नहीं, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, कम्प्लीटली यहाँ से हाइड कर सकता हूँ। ये यहाँ पे है तो सही, लेकिन फ्रंट एंड पे नहीं शो होगा, क्योंकि हो सकता है मुझे इसकी ज़रूरत फ्यूचर के अंदर पड़े, तो मैं सिंपल यहाँ पे इसको अनहाइड कर दूंगा और यहाँ पे जो भी हमने मैंने डाटा डालना है वो मैं डाल सकता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे फूटर्स की ऑप्शन है हमारे पास, ये फूटर आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्विक लिंक्स हैं, इनकी मैं टाइटल्स वगैरह चेंज कर सकता हूँ, जैसे इम्पोर्टेंट लिंक्स, ठीक है। सिमिलरली ये इन्फो वाला है, ठीक है, कुछ इस तरह से, और यहाँ पे आवर मिशन है, ये है, ठीक। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जिनको आप यूज़ करते हैं, इस तरह से अपने स्टोर को इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट्स से इमेज बैनर के अंदर मैं एक ब्लॉक ऐड करना चाहता हूँ, मैं टेक्स्ट ब्लॉक ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे देखें ये टेक्स्ट ब्लॉक ऐड हो गया। मैं चाहता हूँ ये बटन से ऊपर है, तो मैं सिंपल इसको यहाँ से उठाऊँगा और बटन से ऊपर रख दूँगा, ठीक है।
कुछ इस तरह से सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन है, यहाँ पे देखें रिच टेक्स्ट के नीचे एड ब्लॉक है, हम क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पे बटन ऐड करना चाह रहे हैं, तो मैं सिंपल इस तरह से यहाँ बटन ऐड कर दूंगा। इस बटन को मजीद यहाँ पे देखें, इसका मैं डिज़ाइन दे दूंगा शॉप योर शूज नाउ, ठीक है। फिर इसी तरह यहाँ पे लिंक लगा दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से मैं ये सारी चीज़ें ऐड कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे दो बटन ऐड कर सकता हूँ, एक और बटन ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, लेट्स से यहाँ पे कुछ इस तरह से, लेकिन ये इसके नहीं चाह रहे, मैं चाह रहा हूँ इसके साथ एक बटन आए। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं डिलीट कर दूंगा, और यहाँ पे देखें जब मैं इस बटन को डील कर रहा हूँ तो इसके साथ एक और ऑप्शन है सेकेंडरी बटन लेबल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अबाउट अस। तो बेसिकली ये भी उसके नीचे ही आया है, क्योंकि थीम की सेटिंग्स कुछ इस तरह से ही थी बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको कस्टमाइज कर सकते हैं। और अब लेट्स से ये मैं होम पेज को डिज़ाइन कर रहा था, अब मैं चाहता हूँ मैं कोई और पेज को डिज़ाइन करूँ, लेट्स से पेजेस के अंदर जाके मैं इस वाले पेज को डिज़ाइन करूँ, ये अबाउट अस, इसके अंदर मुझे कोई सेक्शन ऐड करना है, कुछ डिलीट करना है। लेट्स से मैं यहाँ पे सेक्शन ऐड करता हूँ किसी किस्म का, लेट्स से यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे देखिए मैंने कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड कर दिया, और इसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक। इस तरह से काफ़ी सारे सेक्शंस हैं यहाँ पे प्री बिल्ड, उनको आपने ऐड करना है, ठीक है। जैसे अब मैंने यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड किया है, इस पर मैं जब क्लिक करूँगा तो इसकी सेटिंग्स यहाँ पे मेरे पास शो हो जाएंगी, ठीक। तो इसी तरह से मुझे कोई और ऐड करना है तो मैं क्या करूँगा, अगेन इस पर क्लिक करूँगा, और लेट्स से मुझे एक इमेज ऐड करनी है यहाँ पे, तो मैंने वो बैनर इमेज यहाँ पे ऐड कर दी, इसके अंदर मैंने इमेज लगानी है, तो मैं यहाँ से ये इमेज लगा दूंगा, ठीक है, जो भी चाहूँगा। तो इस तरह से आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं तमाम पेजेस की, और यहाँ पे सारे पेजेस और जिस पे भी आप मूव करना चाहें यहाँ से मूव कर सकते हैं। लेट्स से मैं ब्लॉग को डिज़ाइन करना चाहता हूँ, उसको एडिट करना चाहता हूँ, तो मैं ब्लॉग के अंदर आ गया, और यहाँ पे देखें ये हमारे पास ब्लॉग्स है कूपन्स वाला, इसके अंदर मैं ऐड सेक्शन करना चाहूँ तो यहाँ पे देखिए हमारे पास आ गया ऑप्शन, सबसे पहले क्लॉप्सेबल कंटेंट। अब कुछ इस तरह से मैं कंटेंट ऐड करना चाहूँ तो वो मैं कर सकता हूँ, इसके अंदर मैं लेट्स से कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ, इसके अंदर भी टेक्स्ट लिख देता हूँ, इसके अंदर अगेन टेक्स्ट लिख देता हूँ, एंड अगेन इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट लिख देता हूँ। इसको मैं पब्लिश करता हूँ, सेव करता हूँ, और इसको जब मैं व्यू करूँगा तो यहाँ पे देखें ये मेरा होम पेज है, अबाउट अस में बेसिकली उसको एडिट कर रहा था, तो इसके अंदर ये वाले ऑप्शंस यहाँ पे कुछ मेरे पास इस तरह से आ गए, और ये मैं अब सॉरी ये हम ऐड कर रहे थे कूपन्स वाले के अंदर, तो मैं इसको कूपन्स वाले को ही व्यू करूँगा, और सिंपल हम यहाँ पे आ जाएंगे शूज टू, आई गेस वो दूसरा वो था, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। कलेक्शन है हमारे पास ये, आई गेस ये कलेक्शन नहीं थी और ये था ब्लॉग, सॉरी। तो मैं ब्लॉग के अंदर चला जाऊँगा, सिंपल मैं इसको एग्जिट करता हूँ, और यहाँ से आता हूँ ब्लॉग के ऊपर, सॉरी यहाँ पे, और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ हमारे पास है यहाँ पे ब्लॉग, मैनेज ब्लॉग, और इस ब्लॉग के अंदर हम इसको व्यू करते हैं। देखिए यहाँ पे वो क्लॉपसेबल कंटेंट हमने ऐड किए थे, तो कुछ इस तरह से आप इसको एडिट कर सकते हैं। सिमिलरली अगेन अगर मैं यहाँ पे जाऊँ थीम्स के अंदर कस्टमाइज के अंदर, और यहाँ पे देखें अब प्रोडक्ट पेज आपको डिज़ाइन करना है, लेट्स सपोज ये प्रोडक्ट डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट पेज, अब ये देखें ये प्रोडक्ट पेज है, इसको अगर मैंने ऐड करना है डिलीट करना है, इसके ऊपर देखें सबसे पहले ये टाइटल आ रहा है, मैं चाहता हूँ उससे पहले हमारी प्राइस आए, तो मैं क्या करूँगा इस प्राइस को उठा के यहाँ पे रख दूँगा, ठीक है, कुछ इस तरह से, या इसके नीचे कुछ इस तरह से, ठीक है। फिर इस पर मैं क्लिक करूँगा तो इसकी सेटिंग्स जो अगर होंगी वो थीम ऑफर कर रहा होगा तो यहाँ पर उसकी सेटिंग्स नज़र आ जाएंगी, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि प्रोडक्ट पेज के ऊपर ये वाला ऑप्शन जो है नज़र ना आए, तो मैं इस पर क्लिक करके सिंपल इसको रिमूव कर दूंगा, ठीक है, ये रिमूव हो गया, ठीक।
लेट्स से मैं यहाँ पे एक और ब्लॉक ऐड करना चाह रहा हूँ प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर प्रोडक्ट रेटिंग का। तो यहाँ पे देखें, ये हमारे पास ये है, किधर गया, प्रोडक्ट रेटिंग। ठीक है, क्योंकि अभी इस प्रोडक्ट के ऊपर कोई रेटिंग है नहीं खासी, तो इस वजह से यहाँ पे शो नहीं हो रही। सिमिलरली अगर हम चाहें तो यहाँ पे देखें, ये ऑप्शन है, इसके अंदर और ब्लॉक्स ऐड करना चाहें, कॉलम्स ऐड करना चाहें, ठीक है, इसके अंदर हम कुछ और ऐड करना चाहें, यहाँ पे देखें प्रोडक्ट की कोई और इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहें, क्लॉप्सेबल रो, तो हम वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखें ये ऐड हो चुके हैं, इसको हम मज़ीद क्या कर सकते हैं, और ऐड कर सकते हैं क्लॉप्सेबल रो। इसके अंदर हम कोई डाटा दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ शिपिंग, और यहाँ पे उस पर डिफरेंट टेक्स्ट लिख देता हूँ। ठीक है, सिमिलरली मैं यहाँ पे एक और जो दूसरा है हमारा ये वाला, इसके अंदर भी मैं डिलीवरी लेट्स से मतलब कुछ भी लिख दिया मैंने, और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, मैंने इसको सेव किया। ठीक है, तो यहाँ पे देखें वो क्लॉप्सेबल कंटेंट यहाँ पे शो हो चुके हैं हमारे। तो इस तरह से आप अपने स्टोर को कस्टमाइज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर विल, और मेक श्योर के हर थीम जो है उसके साथ डिफरेंट ऑप्शंस आएंगे, बट ये सारा सिनेरियो सेम इसी तरह से रहेगा। किसके अंदर, किस थीम के अंदर बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आपको मिलेंगे, किसी थीम के अंदर लिमिटेड ऑप्शंस मिलेंगे आपको ऐड करने के लिए। जैसे यहाँ पे मैं ऐड ब्लॉक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखें लिमिटेड कौन ऑप्शंस है, किसी के अंदर ये बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे आपको। तो आपने इस तरह से थीम जो है वो मोस्ट पॉपुलर ही यूज़ करना है। आप इम्पल्स थीम यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा थीम है शॉपिफाई का, और काफ़ी यूनिक थीम है, उसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। तो इस तरह से आप जिस तरह का भी थीम यूज़ करना चाहें करें, और उसके अंदर इन ऑप्शंस के साथ आप प्ले कर सकते हैं, और इनको यूज़ करते हुए आप किसी भी तरह का स्टोर डिज़ाइन कर सकते हैं, उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जो सेक्शंस आपको नहीं चाहिए उनको डिलीट कर सकते हैं, जो सेक्शंस आपको चाहिए उनको ऐड कर सकते हैं, जो अल्टर करना चाह रहे हैं आप, चेंज करना चाह रहे हैं टेक्स्ट इमेज या कुछ भी, उनको आप उस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आई होगी कि किस तरह से हम कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। मज़ीद आप इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा प्ले करें, इसके साथ डिफरेंट प्रैक्टिसेस करें, तभी आपको ये सारी चीज़ें कंप्लीट समझ में आ जाएंगी, नज़र आ जाएंगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे पेज बिल्डर्स के अबाउट, पेज बिल्डर ऐप्स के अबाउट। तो बेसिकली मार्केट के अंदर काफ़ी सारी पेज बिल्डर्स ऐप्स अवेलेबल हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पेज बिल्डर्स ऐप क्या होती हैं, तो बेसिकली आप अपना उन ऐप्स को यूज़ करते हुए आप अपना जो पेज है, डिज़ाइन है अपने स्टोर का, किसी भी तरह का आप उसको डिज़ाइन कर सकते हैं विजुअली, जिस तरह का भी चाहें। आपको प्री बिल्ड जो एलिमेंट्स हैं उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास मेजोरिटी ऑफ ऑप्शंस, अ लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। तो चलिए मज़ीद चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि ये किस तरह से काम करेगा। और आज हम काम करने वाले हैं पेज फ्लाई पेज बिल्डर के अबाउट, जो कि बहुत मोस्ट पॉपुलर पेज फ्लाई पेज बिल्डर है, जो हमें शॉपिफाई का स्टोर डिज़ाइन करने के लिए अवेलेबल है मार्केट के अंदर। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं ये किस तरह से काम करता है। हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले हम यहाँ ऐप्स के अंदर आएंगे, और पेज फ्लाई हमने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, तो मैं इसको एक बार क्विकली क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से इस तरह से हम आएंगे सेटिंग्स के अंदर, और सेटिंग्स के अंदर ऐप्स एंड सेल्स चैनल्स, यहाँ से हम जो ऐप्स हमें नहीं चाहिए उनको रिमूव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ, कोई भी रीज़न सेलेक्ट कर दूंगा, और ये हो चुकी है रिमूव। अब मैं इसको दोबारा से ऐड करूँगा, सिंपल इस पर क्लिक करूँगा, रिकमेंडेड ऐप शॉपिफाई ऐप स्टोर, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लिखूँगा पेज फ्लाई। तो ये हमारे पास पेज फ्लाई है, इसको मैं ऐड कर दूँगा। इसके बारे में मज़ीद आप यहाँ से भी जान सकते हैं। ओके, तो इसको सिंपल इंस्टॉल कर दूँगा। इंस्टॉल होने के बाद इसका अपना इंटरफेस कुछ इस तरह से नज़र आ जाएगा। हमारे पास जो भी पेजेस बने हुए होंगे वो यहाँ पे हमें नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखें पब्लिशिंग
वन स्लॉट अवेलेबल। बेसिकली इसके फ्री प्लान के अंदर आप जस्ट एक ही पेज डिज़ाइन कर सकते हैं, उसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊं पेज फ्लाई ऐप फॉर शॉपिफाई प्राइजिंग, इसके डिफरेंट प्राइजिंग प्लान्स अवेलेबल हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, और मैं इसको हाईली रिकमेंड करूँगा अगर आपने एक अच्छा डिज़ाइन अपने स्टोर का बनाना है। $29 पर मंथ, $44 पर मंथ, तो इस तरह से इसके प्लान्स हैं, लेकिन अभी हम लर्निंग पर्पस के लिए फ्री वाले यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर सिर्फ आप एक पेज पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं पेजेस के ऊपर, और यहाँ पे देखें डिफरेंट पेजेस हैं, होम पेज, थैंक यू पेज, ये सारे पेजेस हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेगुलर पेज बनाएंगे। इसके अंदर प्री बिल्ट टेम्पलेट्स भी मौजूद हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे क्रिएट अ ब्लैंक पेज, लेकिन मैं अभी यहाँ से टेम्पलेट चूज़ कर लेता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ से टेम्पलेट चूज़ कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे देखें डिफरेंट टेम्पलेट्स यहाँ पे मौजूद हैं। देखें कितने ज़बरदस्त डिज़ाइंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। लेट्स से मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको यूज़ कर लूँ। सेलेक्ट अ टेम्पलेट। अभी राइट नाउ जो हमारा पेज है, हमारा स्टोर है, वो कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है, जो कि ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं है, सारी चीज़ें उस तरह से हैं क्योंकि फ्री का थीम था हमारे पास। लेकिन अब पेज फ्लाई से हमने ये पेज एडिट किया, और इसके अंदर हम जो भी ऐड करना चाहें वो एडिट कर सकते हैं। ये भी सिंपली मैं इसको चेंज करना चाहूँ, एवरी मोमेंट विद योर फैमिली। ठीक है, इसको मैं कुछ इस तरह से ऐड कर देता हूँ। ठीक है, स्वीट मोमेंट्स, स्वीट फैमिली, लाइक दैट, कुछ इस तरह से मैंने ऐड कर दिया। इस तरह से आप विजुअली इनको एडिट कर सकते हैं। अब ये तो बेसिकली चीज़ होंगी, कस्टमाइजेशन में भी मैंने आपको इनको बताया था कि किस तरह से, जिस सिंपल आप क्लिक करोगे और उसके अंदर जो भी आपने चेंजेस करनी होंगी वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे इस पेज फ्लाई को यूज़ करते हो हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। लेट्स से मुझे यहाँ पे एक और आइटम ऐड करना है इसके अंडर, तो वो मैं किस तरह से करूँगा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट लेआउट्स हैं। देखें कितने अच्छे तरीके से हमें जो चीज़ें भी चाहिए क्विकली हमें यहाँ पे अवेलेबल है। लेट्स सपोज मुझे इस तरह का एक लेआउट ऐड करना है, तो मैं इस तरह का लेआउट क्या करूँगा, ड्रैग करूँगा, और जहाँ पे भी मुझे ऐड करना होगा वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा। जैसे मैंने इसी के अंदर ये ऐड करना था, इसके अंदर अब मुझे कॉलम ऐड करना है। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे आ गया मैं, और एलिमेंट ये है। तो बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, ये पूरा एलिमेंट है, और इस एलिमेंट के अंदर डिफरेंट कॉलम्स होंगे, आप एक कॉलम भी रख सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे एलिमेंट्स पे, और यहाँ पे ऐड योर थर्ड पार्टी एलिमेंट्स, यहाँ पे हमारे पास देखें हर चीज़ अवेलेबल है। जो कुछ भी हम यहाँ से ऐड करना चाहें वो सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऐड कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे डिज़ाइन करना चाह रहा हूँ, एक मुझे चाहिए प्रोडक्ट मेटाफिल, प्रोडक्ट क्वांटिटी, या यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ सर्च फॉर्म चाह रहा हूँ, तो मैं सिंपल यहाँ सर्च फॉर्म पे आया, और यहाँ पे देखें डिफरेंट सर्च फॉर्म है, इनको मैं उठा के कुछ इस तरह से ऐड कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये सर्च फॉर्म ऐड हो चुका है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट मौजूद हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कस्टमर फॉर्म या डिफरेंट फॉर्म यहाँ पे अवेलेबल हैं। यहाँ पे हम आ जाएंगे प्रोडक्ट लिस्ट, ठीक है, उसको किस तरह से आप शो करवाना चाह रहे हैं, किस डिज़ाइन के अंदर, देखें यहाँ पे डिफरेंट डिज़ाइंस मौजूद हैं। प्रोडक्ट डिटेल को आप किस तरह से ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट टाइटल, प्रोडक्ट वेंडर, बेस्ट प्राइसेस, देखें इसको मैं यहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूँ इसके साथ, ठीक है, और यहाँ से मैं इसको सोर्स दूंगा कि कौन सा प्रोडक्ट की जो है वो हमें यहाँ पे ऐड करनी है। जैसे मैं इसको ऐड कर देता हूँ, ठीक है, देखें उसकी प्राइस ऐड हो गई है यहाँ पे। तो इस तरह से ये पेज फ्लाई है जिसको आप यूज़ करके क्या कर सकते हो, किसी भी तरह का डिज़ाइन बना सकते हो। और यहाँ पे देखें जब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, सेम उसी तरह का कुछ जो कस्टमाइज़र के अंदर हमने देखा था उस तरह का कुछ
जो है हमारा डिज़ाइन नज़र आ रहा है यहाँ पे, सेम वही लेआउट नज़र आ रहा है लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे एलिमेंट्स, दरमियान में हमारा डिज़ाइन, और इस जगह पे हमारे जो है वो उसकी सेटिंग्स हैं और डिफरेंट स्टाइल्स हैं जिनको हम ऐड कर सकते हैं। लेट्स से मैं चाहता हूँ इसको मैं शो आइकन करना चाहता हूँ, ठीक है, वो देखे आइकन नज़र आ गया। उस आइकन को मैं मज़ीद डिज़ाइन करना चाह रहा हूँ, कॉल टू एक्शन, पॉपअप, ठीक है, कुछ भी करना चाह रहा हूँ वो मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं चाहता हूँ कि ये विजिबल हो डेस्कटॉप के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर, टैबलेट के ऊपर, लेकिन मोबाइल के अंदर विजिबल ना हो, तो मैं इसको इस तरह से हाइड कर दूँगा, मोबाइल के अंदर ये हाइड नहीं होगा। अब यहाँ पर देखें डिवाइसिस के ऑप्शन हैं, आप चाहते हैं कि लैपटॉप के ऊपर आपका जो डिज़ाइन है वो इस तरह से नज़र आए, लेकिन मोबाइल के ऊपर आपका जो डिज़ाइन है वो कुछ इस तरह से नज़र आए, मतलब ये पहले नज़र आए और ये बाद में नज़र आए। अब आप इसको सेव कर देंगे, ठीक है, और इसको टाइटल दे दें, लेट्स सपोज न्यू होम पेज। इसको मैंने सेव कर दिया, ओके, गॉट इट, और ये सेव हो रहा है सिंपली। अब मैं इसको अगर व्यू करता हूँ, इसको ज़रा सेव हो जाने दें, तो आई डोंट नो ये क्यों इतना टाइम ले रहा है सेव होने में, तो हम इसको अभी यहीं पे छोड़ देंगे। आई होप आपको समझ आ चुकी होगी कि किस तरह से ये पेज फ्लाई काम करता है। जब आप यहाँ से इसको पब्लिश कर देंगे और वापस यहाँ पे आएंगे अपने पेजेस के अंदर, थीम के अंदर, पेजेस के अंदर, तो वो पेज आपका यहाँ पे शो हो रहा होगा, लेकिन अभी क्योंकि वो सेव ही नहीं हुआ, पब्लिश नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, आई डोंट नो वाई, कोई ग्लिच होगा, तो वो यहाँ पे नज़र आ जाएगा और इसको फिर आप नेविगेशन के अंदर जाके जहाँ पे भी शो करवाना चाहें शो करवा सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आई होगी कि पेज फ्लाई पेज बिल्डर क्या है और किस तरह से यूज़ हो सकता है। मोस्टली जो लोग हैं वो इसी को यूज़ करते हैं हर तरह का स्टोर डिज़ाइन करने के लिए, और बहुत ही ज़्यादा फेमस और पॉपुलर जो है वो ऐप है कस्टम स्टोर डिज़ाइंस करने के लिए, किसी भी तरह के स्टोर्स डिज़ाइन करने के लिए। नॉर्मली ये होता है कि थीम्स के अंदर प्री बिल्ट डिज़ाइंस होते हैं, उन्हीं के आपको उनकी ऑर्डरिंग चेंज करनी पड़ती है, लेकिन इसके ज़रिए आप किसी भी तरह का कस्टम डिज़ाइन बना सकते हैं, और इसके अंदर काफ़ी सारे टेम्पलेट्स भी अवेलेबल हैं जिनको यूज़ करते हुए आप अपने स्टोर के अंदर डिज़ाइन कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। बट फ्री प्लान के अंदर सिर्फ आपको एक पेज डिज़ाइन करने का ऑप्शन मिलता है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे मेटा फील्ड्स की या कस्टम फील्ड्स की, जो हमें ऐड कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के डिफरेंट जगहों पे या अपने पूरे स्टोर में कहीं पे भी हम डायनामिक जो फील्ड्स हैं वो ऐड कर सकते हैं। डायनामिक फील्ड से क्या मुराद है, लैपटॉप स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से ये काम करता है और डायनामिक फील्ड्स एक्चुअल में क्या होती हैं। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे देखें अगर सेटिंग्स के अंदर आएँ हमारे पास, यहाँ पे एक ऑप्शन है मेटा फील्ड्स, इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे देखें लिखा हुआ है चूज द पार्ट ऑफ योर स्टोर यू वांट टू ऐड अ न्यू फील्ड टू। लेट्स सपोज एक डिज़ाइन के अंदर या थीम के अंदर
वो चीज़ नहीं है, वो डिज़ाइन या वो स्पेस या वो एलिमेंट नहीं है और आपको वो चाहिए, तो आप कस्टम फील्ड को यूज़ करते हो, वहाँ पे वो एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे है हमारे पास ऑर्डर्स, पेजेस, ब्लॉग्स, हमें प्रोडक्ट पेज के अंदर ऐड करना है, तो मैं यहाँ से ऐड डेफिनेशन कर दूंगा। लेट्स से मैं शो करवाना चाह रहा हूँ डिलीवरी टाइम अपने प्रोडक्ट पेज के ऊपर। राइट नाउ अगर मैं ये प्रोडक्ट पेज को देखूँ तो यहाँ पे देखें कोई डिलीवरी टाइम का, ये तो मैंने वैसे ऐड किया था, लेकिन अगर मैं चाहूँ कि यहाँ पे डायनामिकली हर प्रोडक्ट के रेलिवेंट डिफरेंट डिलीवरी टाइम हो और मैं एक ही बार उसको बनाऊँ एक डायनामिक फील्ड को, तो वो किस तरह से करूँगा, सिंपल यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ डिलीवरी टाइम। ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे द प्रोडक्ट डिलीवरी टाइम इसको मैंने सेव कर दिया। अच्छा, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि किस तरह का जो फील्ड है वो आप लेना चाह रहे हैं, मैं कहता हूँ सिंगल लाइन चाहिए और इसको मैं कर देता हूँ सेव। सेव कर दिया, अब मैं स्टोर इसको रिलोड करता हूँ, तो यहाँ पे देखें अभी कहीं पे भी वो ऑप्शन नज़र नहीं आया, तो मैं क्या करता हूँ अपने स्टोर पे जाता हूँ थीम्स के अंदर और जाके इसको कस्टमाइज़ करता हूँ। कस्टमाइज़ करने के बाद यहाँ से मैं जाता हूँ कहीं पे भी शो करवा सकता हूँ, लेट्स सपोज मुझे यहाँ पे शो करवाना है तो मैं यहाँ पे भी शो करवा सकता हूँ, लेट्स से बल्कि हम उसी के अंदर ही चलते हैं, प्रोडक्ट, डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट, और यहाँ पे लेट्स सपोज मैं शो करवाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे देखें प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे मैं एड ब्लॉक करूँगा और यहाँ पे देखें जो है हमारे पास कस्टम लिक्विड, इसको मैं क्लिक करूँगा, कस्टम लिक्विड में भी नहीं होगा, यहाँ पे हम टेक्स्ट ले लेंगे। टेक्स्ट लेने के बाद यहाँ पे हमारे पास देखें टेक्स्ट आ गया और यहाँ पे ये ऑप्शन है इंसर्ट डायनेमिक सोर्स, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखें ये हमारे पास है डिलीवरी टाइम जो हमने बनाया था, मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा। ओके, अब मैं इस पर लिख देता हूँ योर प्रोडक्ट डिलीवरी टाइम, ठीक है, और यहाँ पे ये मैंने टैग लगा दिया। अब मैंने इसको सेव कर दिया, अब लेट्स से मैं अपने इसको प्रोडक्ट को रीलोड करूँगा तो यहाँ पे देखें प्रोडक्ट डिलीवरी टाइम, लेकिन यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी मैं पहले इसकी पोजीशन सेट कर लेता हूँ, लेट्स से मुझे यहाँ की बजाय यहाँ पे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा इसको उठा के यहाँ पे प्राइसिंग के नीचे रख दूँगा यहाँ से इस जगह पे प्रोडक्ट डिलीवरी टाइम, इसको मैं सेव कर दूंगा। अब लेट्स से मैं वापस चला जाता हूँ प्रोडक्ट्स के अंदर और मैं इसको भी एडिट करता हूँ और इसको भी एडिट करता हूँ, तब आपको ज़रा समझ आ जाएगी इस चीज़ की। लेट्स से मैंने ये प्रोडक्ट एडिट किया और यहाँ पे देखें आप ऑप्शन आ रहा है मेटा फील्ड्स का, शो ऑल, ठीक है, हमारे पास डिलीवरी टाइम का ही मेटा फील्ड हमने बनाया था और यहाँ पे देखें योर डिलीवरी टाइम और यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ 25 days, ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया। और अब मैं अपने प्रोडक्ट को अगर देखूँ तो इस प्रोडक्ट में वो यहाँ पे शो हो रही है डिलीवरी टाइम 25 days। अब ये एक और प्रोडक्ट है दूसरा, इसके ऊपर भी सेम वही ऑप्शन आ रहा होगा, सिंपल मुझे यहाँ पे मुझे मतलब बार बार ऐड नहीं करना पड़ेगा इस तरह से, और मतलब एक फील्ड मैंने डायनेमिकली ऐड कर दी और हर प्रोडक्ट के नीचे वो फील्ड आ रही है और उस फील्ड में मैं अपनी मर्जी के मुताबिक जो भी ऐड करना चाहूँ कर सकता हूँ। लेट्स सपोज मैं इसके अंदर लिखूँगा 2 days, ठीक है, सिंपल यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। अब इसको मैं देखूं तो यहाँ पे देखें प्रोडक्ट डिलीवरी टाइम 2 days और यहाँ पे देखूं 25 days, जो भी मैं ऐड करना चाहूँ। तो इस तरह से कस्टम डायनेमिक फील्ड्स जो हैं वो हम ऐड कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के अंदर या कहीं पे भी हम करना चाहें। तो आई होप आपको समझ आई होगी कि ये मेटा फील्ड्स जो हैं किस काम आती हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जब आपको कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा होता तो इन ऑप्शंस को यूज़ करते हुए आप किसी कहीं पे भी कुछ भी डायनामिकली कोई चीज़ ऐड कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आई होगी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे शॉपिफाई ऐप्स के अबाउट, तो बेसिकली शॉपिफाई ऐप्स क्या होती हैं और उनको किस तरह से यूज़ करते हैं।
तो इस लेक्चर के अंदर हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कि शॉपिफाई एप्स एक्चुअल में है क्या। तो बेसिकली शॉपिफाई एप्स प्री बिल्ट सॉफ्टवेयर्स हैं, छोटे सॉफ्टवेयर्स या एडोन्स कह सकते हैं, शॉपिफाई के लिए स्पेसिफिकली डिजाइंड हुई, जिनको यूज़ करते हुए हम डिफरेंट फंक्शनैलिटीज या डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकते हैं शॉपिफाई स्टोर के लिए। लेट सपोज आपको अपना शॉपिफाई स्टोर फेसबुक के साथ कनेक्ट करना है, तो उसके लिए शॉपिफाई ऐप जो फेसबुक की है होगी वो रिक्वायर्ड होगी। सिमिलरली आपको ड्रॉप शिपिंग करनी है, आपको ओवरलो चाहिए, ड्रॉप शिपिंग एप्स डिफरेंट अवेलेबल हैं, ओवरलो, डीजर, जो कि आपको ये फैसिलिटी देती हैं कि आप क्या कर सकते हो डिफरेंट जगहों से, जैसे अली एक्सप्रेस है, वहाँ से प्रोडक्ट्स इंपोर्ट डायरेक्टली अपनी शॉपिफाई स्टोर के अंदर कर सकते हैं। इसी तरह से आप कोई मार्केटिंग करना चाह रहे हैं अपने स्टोर की, तो आप अपने स्टोर को स्नैपचैट, गूगल या बाकी चीज़ों से कनेक्ट किस तरह से कर सकते हैं, शॉपिफाई ऐप्स की मदद से। आप अपने स्टोर के ऊपर लाइव चैट का ऑप्शन लगाना चाह रहे हैं, आपने अक्सर स्टोर के अंदर बॉटम राइट कॉर्नर या लेफ्ट कॉर्नर पर देखा होगा कि लाइव चैट का ये सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा होता है, तो लाइव चैट भी आप डिफरेंट ऐप्स से लगा सकते हैं। इस तरह से डिफरेंट काम जो है वो ऐप्स हमारी मदद करती हैं, बजाय इसके कि हमें खुद इटसेल्फ वो कोड करना पड़े वो कंप्लीट फंक्शनैलिटी। तो ऐप्स प्री बिल्ट होते हैं जिसमें हमें इंस्टॉल करना होता है और उनकी सेटिंग करनी होती है अपनी मर्जी के मुताबिक, जिस तरह से भी हम वो टास्क परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं। तो ये होती है बेसिकली शॉपिफाई ऐप्स। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे किस तरह से शॉपिफाई ऐप्स को एक्सेस करते हैं और किस तरह से हम जो है शॉपिफाई ऐप्स को इंस्टॉल करते हैं अपने शॉपिफाई स्टोर के अंदर। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे किस तरह से आप अपने शॉपिफाई स्टोर के अंदर ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलें चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और प्रैक्टिकली देखते हैं। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पर देखें ऐप्स का ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है, एड ऐप्स। सिंपल अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास जो मोस्ट पॉपुलर ऐप्स हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। अगर हमें कोई और ऐप्स चाहिए, हमें सर्च करनी है, तो सिंपल हम यहाँ पे क्लिक करेंगे फाइंड मोर ऐप इन शॉपिफाई ऐप स्टोर, सिंपल इस पे क्लिक करेंगे। ये सिमिलरली इसी तरह से जिस तरह आप प्ले स्टोर को यूज़ करते हो और वहाँ से डिफरेंट ऐप इंस्टॉल करते हैं डिफरेंट कामों के लिए। तो हम आ चुके हैं यहाँ पे और यहाँ पे देखें लातादाद काफ़ी सारी ऐप्स यहाँ पे मौजूद हैं। आप किसी स्पेसिफिक ऐप का नाम यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं मार्केटिंग के रेलिवेंट एक ऐप सर्च करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे देखें डिफरेंट मार्केटिंग के रेलिवेंट ऐप्स हैं और इसके डिफरेंट फिल्टर्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं कि कन्वर्जन के लिए चाहिए, स्टोर डिज़ाइन के लिए चाहिए या किस चीज़ के लिए चाहिए, फ्री हों, पेड हों, किस तरह की ऐप्स हों। ये ऐप भी पेड होती हैं जिनकी मंथली सब्सक्रिप्शन होती हैं और फ्री ऐप्स भी होती हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट आप काम कर सकते हैं, वर्क विद POS पर, शॉपिफाई चेकआउट, तो इनके अबाउट आप देख सकते हैं, राइट। और यहाँ पे अब लेट से हम यहाँ पे कोई और ऐप इंस्टॉल करते हैं, डीजर। लेट्स से हम ये एक ऐप इंस्टॉल करते हैं, तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास डीजर बाय अली एक्सप्रेस, इसको हम आगे चल के देखेंगे। तो राइट नाउ जस्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किस तरह से ऐप इंस्टॉल करनी है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो इस ऐप के अबाउट कंप्लीट ट्यूटोरियल यहाँ पे दिया होगा। आप इस ऐप के अबाउट सीख भी सकते हैं, देख भी सकते हैं कि ये किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से आपने इसको इंस्टॉल करके अपने शॉपिफाई स्टोर के अंदर इंटीग्रेट करके इसके सेटिंग्स करनी है और बाकी सारी चीज़ें करनी है। इसके अबाउट कंप्लीट डिटेल इस ऐप की मौजूद है, इसके फ्री प्लान भी मौजूद है, इसका पेड प्लान भी मौजूद है, एडवांस, प्रो, इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो राइट नाउ हम सिंपल इस ऐड ऐप के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे मैं ऐड ऐप के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये क्या होगा कि हमारी ऐप जो ये ऐप है वो शॉपिफाई स्टोर के साथ अथेंटिकेट हो जाएगी। अथेंटिकेट हमें करनी पड़ेगी, यहाँ पे सिंपल इंस्टॉल ऐप पे मैं क्लिक करूंगा तो ये हमारा जो है ऐप वो यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। इसको करने के लिए हमें यहाँ पे AliExpress अकाउंट भी क्रिएट करना पड़ेगा, तो वो अभी हम नहीं कर रहे, हम वापस चलते हैं कोई और ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं इसकी जगह पे। तो सिंपल मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखें मेरे पास कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। तो मैं इसके ऊपर रिकमेंडेड ऐप्स पे क्लिक करूँगा और अगेन स्टोर के अंदर चला जाऊँगा और जो भी ऐप मुझे इंस्टॉल करनी होगी वो यहाँ पे मैं इंस्टॉल कर लूँगा। लेट्स से मैं यहाँ पे पेज फ्लाई ऐड करता हूँ, तो सिंपल यहाँ पे क्लिक करूँगा ऐड के ऊपर, ऐड ऐप,
इंस्टॉल ऐप सॉरी। तो कुछ इस तरह से हमारे पास इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे देखें, ये हमारे पास स्टोर है और इसके कंप्लीट जो है एक्सेस हमारी शॉपिफाई स्टोर के अंदर मौजूद है। अब अगर मैं अपने शॉपिफाई स्टोर के अंदर जाऊं और इसको रीलोड करूं, तो यहां पे देखें और ऑप्शंस हमारे पास मौजूद होंगे। लेट्स से मैं अगर यहां पे क्लिक कर देता हूं, तो यहां पे देखें वो जो मेरी ऐप्स थी वो यहां पे इंस्टॉल्ड हैं। और अगर मुझे किसी ऐप से कोई काम लेना है तो सिंपल मैं उस पर क्लिक करूंगा और उसका डैशबोर्ड खुल जाएगा और वहां से मैं उसके अबाउट जो भी काम करना होगा कर लूंगा और वो जो काम है वो मेरे शॉपिफाई स्टोर के ऊपर इफेक्ट कर देगा, जहाँ से मैं उसको अप्लाई कर सकता हूँ। तो आई होप आपको समझ आई होगी कि ऐप को किस तरह से इंस्टॉल करना है और किस तरह से अपने स्टोर के अंदर ऐड करना है। आगे चल के हम कुछ मोस्ट पॉपुलर ऐप्स की भी बात करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। इस मॉड्यूल के अंदर हम बात करेंगे कम्प्लीटली ड्रॉप शिपिंग की, अबाउट ड्रॉप शिपिंग क्या है, किस तरह से की जाती है और मार्केट के अंदर बाकी लोग इसको किस तरह से कर रहे हैं। तो कम्प्लीट ए टू सी बात करेंगे। और ये जो ड्रॉप शिपिंग का मॉड्यूल है, इसके अंदर मैं कम्प्लीटली आपको सारी चीज़ें एडवांस तक नहीं बताऊंगा। ये जस्ट बेसिक है ड्रॉप शिपिंग के अबाउट। अगर मज़ीद आपने ड्रॉप शिपिंग के अबाउट सीखना है तो मज़ीद आपको गूगल के ऊपर सर्च करना पड़ेगा और रिसोर्सेज से इसके अबाउट इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी और राइट स्ट्रैटेजीज के बारे में सीखना पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर मैं आपको इतनी सारी चीज़ें बता दूंगा ज़रूर जो कि आपके लिए कंपलसरी है ड्रॉप शिपिंग मॉडल को अंडरस्टैंड करने के लिए और बेसिक आइडिया लेने के लिए कि एक्चुअल में शॉपिफाई के ऊपर ड्रॉप शिपिंग किस तरह से की जाती है। यहाँ पे मैं एडवांस में इस तरह इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि इस कंप्लीट कोर्स का मकसद सिर्फ हमारा स्टोर डिज़ाइन करना और डेवलप करना है, ना कि ड्रॉप शिपिंग के अबाउट कंप्लीट डिटेल में बात करना। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे एक्चुअल में ड्रॉप शिपिंग है क्या। सो बेसिकली यहाँ पे अगर मैं आपको सिंपल से अल्फाज के अंदर समझाऊं तो यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक होलसेलर होता है, एक रिटेलर होता है, राइट। अब होलसेलर कौन होता है, लेट्स सपोज एक हमारे पास फैक्ट्री है, वो जो भी प्रोडक्ट है वो बना रही है बल्क के अंदर, और वो नॉर्मल दुकानदार जो आपके गली मोहल्ले के अंदर बैठा है उसको सेल करती है, राइट। और वो फिर जो रिटेलर है, वो जो शॉपकीपर है, वो आगे फाइनल कस्टमर तक वो प्रोडक्ट पहुँचाता है। अब जो फैक्ट्री है या वो होलसेलर है, वो लेट्स सपोज एक प्रोडक्ट दुकान वाले को देके जाता है 10 रुपए का, ठीक है, और दुकान वाला उसको फाइनल कस्टमर को बेचता है 15 रुपए का, तो दुकान वाले ने 5 रुपए प्रॉफिट बनाया, ठीक है। अगर आप इस तरह से कर लें कि आप यहाँ पे बैठे हो, ठीक है, और आपके पास कोई सामान नहीं है, बट आप एक होलसेलर को जानते हो जो कि वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकता है, अब आप क्या करोगे, आप यहाँ पे बैठे हो और आप कहोगे कस्टमर को कि मैं लैपटॉप्स बेच रहा हूँ, वो कहेगा ठीक है मुझे लैपटॉप दे दो, आप वो पूछेगा कितने का लैपटॉप है, आप कहोगे लेट्स सपोज $100 का लैपटॉप है, वो कहेगा ओके ये $100 पकड़ो और मुझे लैपटॉप दो, तो आप क्या करोगे, आप उसका ऑर्डर प्लेस कर दोगे होलसेलर के ऊपर $80 का, ठीक है, क्योंकि होलसेलर एक्चुअल प्राइस में $80 का आपको दे रहा है, क्योंकि वो जो रिटेलर की प्राइस है वो कदरे हाई होती है होलसेलर से, तो इस तरह से आप $20 प्रॉफिट कमाओगे। मतलब आपने कोई स्टॉक नहीं उठाया, कोई आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की ज़्यादा, यहाँ पे जो जो आपकी इन्वेस्टमेंट और एफर्ट्स लगी वो सिर्फ मार्केटिंग पे लगी, राइट। मज़ीद इसको डिटेल के अंदर समझते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक जो है पिक्चर मौजूद है, यहाँ पे लेट्स सपोज आपने एक स्टोर बनाया और उसके ऊपर आपने कहा कि मैं लैपटॉप्स बेच रहा हूँ, ठीक है, और उसकी एडवर्टाइजमेंट करना शुरू कर दी डिफरेंट ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म्स या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या कहीं पे भी आपने उसकी एडवर्टाइजमेंट शुरू कर दी, उसके ऊपर पिक्चर्स लगा के कि मैं ये प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ। अब जैसे ही आप इसको प्रमोट कर रहे हैं, इसको बना के, यहाँ से एक कस्टमर आता है आपके पास और आपका एक प्रोडक्ट बाय करता है $80 के अंदर, ठीक है, आप क्या करते हो, इस कस्टमर की जो डिटेल्स हैं वो अपने सप्लायर को भेज देते हो। अब जो सप्लायर है वो एक्चुअल में आपको प्रोडक्ट $50 के अंदर दे रहा है, लेकिन आपने यहाँ से चार्ज किए $80, ठीक है, और ये सप्लायर उस प्रोडक्ट को डायरेक्टली आपके कस्टमर को भेज देगा, ठीक है, आपको कोई प्रोडक्ट उठाने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट मार्केटिंग कर रहे हो, राइट, और यहाँ इस तरह से आप $30 प्रॉफिट कमा लोगे। तो इस तरह से ये बिजनेस मॉडल काम करता है और इसको मजीद आगे चल के देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कि शॉपिफाई के ऊपर अगर आप ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हो तो किस तरह से करेंगे आप ड्रॉप शिपिंग
और इसको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज इस लेक्चर के अंदर हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि किस तरह से आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं शॉपिफाई के ऊपर। तो चले लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। बिफोर डूइंग दैट मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर हम यूज़ करेंगे डीजर ऐप। तो काफ़ी सारी ऐप्स शॉपिफाई की ड्रॉप शिपिंग के लिए अवेलेबल हैं, जिसके अंदर शॉप मास्टर है और ओबरलो मोस्ट ट्रेंडिंग है। और इसके अलावा जो डीजर है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और ओबरलो पहले पॉपुलर थी बट अभी वो ऐप स्टोर के अंदर नज़र नहीं आती। आई डोंट नो क्या इशूज़ हैं, लेकिन वो अभी नज़र नहीं आती। इस वजह से हम डीजर यूज़ करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से अली एक्सप्रेस से आप ड्रॉप शिपिंग कर सकोगे अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ। तो चलिए लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और देखते हैं ये सारा प्रोसेस हम किस तरह से करेंगे। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। सिंपल हम ऐप्स के अंदर जाएंगे और हमने ऑलरेडी यहाँ पे डीजर ऐप इंस्टॉल की हुई है। मैं इसको एक बार अनइंस्टॉल कर देता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से जो है आप इंस्टॉल कर सकते हो डीजर ऐप। तो सिंपल यहाँ पर क्या हो गया, हम आ गए वापस ऐप्स के अंदर। यहाँ पर रिकमेंडेड ऐप्स, Shopify App Stores, और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे हम डीजर। ओके, ये हमारे पास ऐप है, इसको हमने सिंपल क्लिक किया, ऐड ऐप किया और इसको सिंपली मैं इंस्टॉल कर दूंगा। इसके करने से पहले आपके पास aliexpress.com का एक अकाउंट भी होना चाहिए। तो मैं सिंपल इसको इंस्टॉल कर दूंगा, इंस्टॉल ऐप, और यहाँ पे देखें कनेक्ट एन अकाउंट फॉर यू, रजिस्टर योरसेल्फ। मैं रजिस्टर करता हूँ क्योंकि AliExpress पे मैंने अभी एक अकाउंट बनाया नहीं है। तो यहाँ पे उससे पहले हमें डीजर ऐप पे अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो सिंपल मैं यहाँ पे अपना ईमेल दे दूँगा जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। लेट्स से यहाँ पे मैं ये ईमेल दे दूंगा। और सिंपल रजिस्टर माय अकाउंट कर दूंगा। अब डीजर के ऊपर मैंने सक्सेसफुली अकाउंट बना लिया है, तो ये थोड़ा लोड करेगा। लोड करने के बाद यहाँ पे ये कह रहा है कि डिफरेंट पैकेजेस आप ले सकते हो, लेकिन मैं अभी फ्री प्लान ही यूज़ करूँगा। तो मैं सिंपल इसको सिलेक्ट कर लूँगा, फ्री प्लान को। और यहाँ पे ये देखें कह रहा है कि अली एक्सप्रेस को लिंक करें। तो मेरे पास सिंपल यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ये हमें यहाँ पे ले आएगा। मेरे पास अली एक्सप्रेस का अकाउंट अभी क्रिएटेड नहीं है, तो मैं डायरेक्टली साइन इन कर लूँगा अपने जो है जीमेल अकाउंट के साथ। तो आप अपना प्रॉपर अली एक्सप्रेस का अकाउंट बना सकते हैं या इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें ये ऑथराइज कर लूँगा मैं इसको, यहाँ पे अगेन ऑथराइज कर लूँगा। तो अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ अली एक्सप्रेस, और यहाँ पे देखिए मेरा अकाउंट जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। और मैं इसको नेक्स्ट नेक्स्ट कर दूंगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए मेरा अली एक्सप्रेस का अकाउंट क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे देखिए ये क्रिएट हो चुका है। अब बेसिकली अली एक्सप्रेस पर निस्बतन जो प्राइसेस होती हैं प्रोडक्ट की वो बहुत ज़्यादा कम होती हैं, ठीक है। लेट्स से मैं यहाँ पे एयरबड्स देखना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे देखें अगर मैं इसको PKR के अंदर ही चलो रहने देते हैं हम इसको। तो यहाँ पे देखें एयरबड्स जो हैं वो यहाँ पे ये वाले ₹1,000 के मिल रहे हैं, राइट। अब इसको अगर मैं सर्च करूँ किसी और स्टोर के ऊपर,
या मैं यहाँ पे दराज लोकल मार्केट के ऊपर ही देख लेता हूँ। अब दराज पे यही सेम एयरबड्स कितने के बिक रहे होंगे, ज़्यादा के बिक रहे होंगे यहाँ पे। अच्छा वो सेम प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं है, तो मैं वापस चला जाता हूँ और यहाँ से देखता हूँ। ये मी का ऑफिशियल स्टोर है, आई थिंक हमें कोई और प्रोडक्ट देखना चाहिए। लेट्स से मैं यहाँ पे कोई और प्रोडक्ट देख लेता हूँ। लेट्स सपोज माउस, तो यहाँ पे देखे 219 रुपये का ये माउस है। कैन यू इमेजिन के यही माउस लोकल मार्केट के अंदर या कहीं किसी और स्टोर के ऊपर 1000-1500 का बिक रहा होता है, तो आप क्या करेंगे? अब मैंने अली एक्सप्रेस को कनेक्ट कर लिया है अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ। अब मैं अगर इस सब चीज़ों को क्लोज कर दूं और यहाँ पे इसको रिलोड करूँ, रिलोड करने के बाद सिंपल यहाँ ऐप्स के अंदर आऊँ और डीजर ऐप के अंदर चला जाऊँ, तो अब क्या हो रहा है कि मेरे पास सप्लायर है अली एक्सप्रेस, राइट। अब मैं सिंपल वहां से प्रोडक्ट इंपोर्ट कर लूंगा अपने शॉपिफाई स्टोर के अंदर और अपने शॉपिफाई स्टोर को प्रमोट करना शुरू कर दूंगा। जब ऑर्डर आएगा मेरे शॉपिफाई स्टोर के ऊपर, तो मैं वही ऑर्डर प्लेस कर दूंगा अली एक्सप्रेस पे। मेरे शॉपिफाई स्टोर के ऊपर 500 रुपये का ऑर्डर आया, शॉपिफाई अली एक्सप्रेस के ऊपर वही चीज़ 200 रुपये की मिल रही है, तो मुझे 300 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखें ये कनेक्टेड है। अब लेट्स से मैं यहाँ पे एयर बड्स या कुछ भी सिलेक्ट करना चाहूँ, तो यहाँ पे देखें ये $45 का, $9 का, $6 का, $1 के ये अवेलेबल हैं। तो मैं क्या करूँगा, ऐड टू इम्पोर्ट लिस्ट, सिंपल यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया डोंट शो अगेन, और ये मैं इम्पोर्ट लिस्ट के अंदर आ गया, ठीक है। यहाँ से मैं जो है फाइंड सप्लायर यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे देखें ये इम्पोर्ट लिस्ट के अंदर आ गया, और इसको मैं सिंपल यहाँ से पुश टू शॉपिफाई कर दूंगा। अब ये एग्जैक्टली एज इट इज़ प्रोडक्ट मेरे शॉपिफाई स्टोर के अंदर पब्लिश हो चुका होगा। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो यहाँ पे देखें ये कम्प्लीटली यहाँ पे शो हो चुका है और मेरे शॉपिफाई स्टोर के अंदर ये शो हो चुका है एग्जैक्टली एज इट इज़, ठीक है। अब मैं इस प्रोडक्ट को अपने स्टोर के साथ प्रमोट करना शुरू कर दूंगा, ऑर्डर आएगा। अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं, अली एक्सप्रेस के ऊपर ये प्रोडक्ट है $0.57 की और $2.67 की, तो मैं इसको यहाँ से ऐड करके एडिट करके इसकी प्राइस रख दूंगा लेट्स सपोज $10। मतलब सस्ते में लेके हमें थोड़ा सा महंगा बेचना है प्रोडक्ट, तो इस तरह से हम इसकी प्राइस चेंज कर देंगे। जो भी हम प्राइस चाहें वो प्राइस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और जो आइटम्स हमें नहीं चाहते कि हमारे स्टोर पे शो हों, तो वो मैं हम इस तरह से डिलीट कर देंगे और इसको मैं सेव कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से आप शॉपिफाई मतलब डीजर को यूज़ करते हुए अली एक्सप्रेस से प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर सकते हैं अपने शॉपिफाई स्टोर के अंदर और उनको प्रमोट कर सकते हैं और ऑर्डर लेके। अब पहले तो ऑर्डर आपके शॉपिफाई स्टोर के ऊपर आएगा ना, जब शॉपिफाई स्टोर के ऊपर आया लेट्स सपोज उस कस्टमर ने आपको 50 रुपये दे दिए उस प्रोडक्ट के और अली एक्सप्रेस पर वो चीज़ 30 रुपये की है, तो आपने 50 रुपये ले लिए वहाँ से, 20 रुपये खुद रख लिए, 30 रुपये को ऑर्डर उसके नाम से उसके एड्रेस से प्लेस कर दिया अली एक्सप्रेस पर। तो सिंपल इज़ दैट, बिल्कुल सिंपल सा मॉडल है, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा मार्केटिंग करनी पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसके अबाउट आपको लर्न करनी पड़ेंगी मज़ीद। तो ये मैंने आपको बेसिक्स आइडिया दे दिया और एक ऐप के ज़रिए बता दिया कि शॉपिफाई के ऊपर किस तरह से ड्रॉप शिपिंग लोग करते हैं। इस तरह की और काफ़ी सारी ऐप्स हैं, ओबरलो है और काफ़ी सारी ऐप्स हैं, उनको आप यूज़ करते हैं, बट मोस्ट फेमस डीजर और ओबरलो ही है। तो आप इसको यूज़ करें, देखें, और आपको मैंने एक आइडिया दे दिया। तो आई होप आपको समझ आई होगी। अगर किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करूंगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि
आपको ड्रॉप शिपिंग के लिए किस तरह के प्रोडक्ट्स चूज करने चाहिए या किस तरह की प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना चाहिए ताकि आपको अच्छी सेल्स आए। तो एज फार एज आई नो और मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक मैं कुछ टिप्स आपको देना चाहूँगा। आपको बेसिकली उस तरह के प्रोडक्ट्स चूज करने चाहिए जो कि यूनिक हो। यूनिक इन सेंस, आप कैसे पता लगाएंगे कि ये प्रोडक्ट यूनिक है या ये प्रोडक्ट यूनिक नहीं है? तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि ऐसे प्रोडक्ट जो आपके नियर बाय स्टोर से मिल जाते हों वो यूनिक नहीं है, और जो नहीं मिलते वो ऑब्वियसली बात है यूनिक है, क्योंकि वो आपको नॉर्मली मार्केट से नहीं मिलते, राइट? दूसरी चीज़ आपने ये ध्यान में रखना है कि आपने जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी वाला देना है, एक अच्छा प्रोडक्ट एक इकोनॉमिकल प्राइस के अंदर, कि बायर उसकी तरफ अट्रैक्ट भी हो और अगर वो उसको वो चीज़ एक यूनिक भी लगे और वो उसकी रेंज के अंदर भी हो, राइट? और तीसरी चीज़, चौथी चीज़ जो आपको देखनी है वो इम्पोर्टेंट ये है कि आपका उस प्रोडक्ट के अंदर प्रॉफिट मार्जिन जो है वो काफ़ी अच्छा मिले आपको। तो चले कुछ प्रोडक्ट्स देखते हैं, एक दो मैंने देखे हैं ताकि आपको पता लग जाए कि किस तरह के प्रोडक्ट आपको प्रमोट करने चाहिए। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे देखें, ये एक प्रोजेक्टर है, ठीक है, मिनी प्रोजेक्टर है, सिर्फ 4000 रुपये का PKR, 4000 रुपीज़ का। तो आई डोंट नो कि इसकी क्वालिटी कैसी होगी, तो उससे बेटर ये है कि आप इसको पहले अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं, उसके बाद इसको प्रमोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, मज़ीद इन्होंने कंप्लीट डिटेल्स भी यहाँ पे लगाई होंगी इसकी। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रोडक्ट चूज़ करने से पहले आप उस प्रोडक्ट के रिव्यूज़ देख लें कि उस प्रोडक्ट को जिन लोगों ने यूज़ किया हुआ है, इस प्रोडक्ट के अबाउट नो फीडबैक, तो इस प्रोडक्ट को हम चूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इसके किसी ने यूज़ नहीं किया, अब हमें नहीं पता है एक्चुअल में क्वालिटी वाला है, अच्छा है नहीं है। तो इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास एक और प्रोडक्ट है जो कि है थर्मल प्रिंटर। बहुत कमाल की चीज़ है जो कि आपको लोकल स्टोर में मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो इससे आप मतलब सिंपल इसको यूज़ करते हुए आप प्रिंट निकाल सकते हैं, और ये इतना सा प्रिंटर है, बिल्कुल छोटा सा, और इकोनॉमिकल प्राइस के अंदर है, ठीक है। इसके रिव्यूज़ मज़ीद आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखें डिफरेंट रिव्यूज़ हैं, 5 स्टार हैं, 5 स्टार हैं, 5 स्टार हैं, लेकिन ये जो रिव्यूज़ हैं ये नॉर्मली सम लोग मतलब इसको पेड रिव्यूज़ भी ले लेते हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी कि रिव्यूज़ ज़्यादा होने चाहिए उस प्रोडक्ट के, और ताकि अच्छे से आपको भी सेटिस्फेक्शन हो जाए कि ये प्रोडक्ट क्वालिटी वाला है। यहाँ पे देखिए, इन्होंने इमेज भी लगाई हुई है कि इस तरह से इन्हें प्रोडक्ट रिसीव हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। तो इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो आपने ऐसे प्रोडक्ट चूज़ करने हैं जो कि यूनिक हो, इकोनॉमिकल प्राइस के अंदर हो, और प्रोजेक्ट जो है वो क्लाइंट की नीड या सेटिस्फेक्शन भी कंप्लीट करें और प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट है ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है, मतलब एक छोटा सा प्रिंटर है, आप इसको कैरी करके कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, कहीं पे भी प्रिंट निकाल सकते हैं छोटे पेज के ऊपर, और डिफरेंट छोटे बच्चों के लिए ड्राइंग्स निकाल सकते हैं या जो कुछ भी करना चाहें इसके साथ कर सकते हैं। तो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है ये, इकोनॉमिकल प्राइस के अंदर है, यूनिक है, ठीक है, और क्वालिटी वाला है। क्वालिटी आप रिव्यूज़ के ज़रिए चेक कर सकते हैं। तो ये बेसिक से थोड़ी सी चीज़ें थी। इसके अलावा मज़ीद अगर आप ड्रॉप शिपिंग के अबाउट सीखना चाहते हैं, ये एक सीरियस बिजनेस है, इसके अबाउट मज़ीद सीखना चाहते हैं, तो क्या करें, आप डिफरेंट सोर्सेज अवेलेबल हैं इंटरनेट के ऊपर, आप उनके जाके आर्टिकल पढ़ें, उनके वीडियोस देखें, और मज़ीद आपको इसके बारे में रिसर्च करनी पड़ेगी, तभी आपको मज़ीद ड्रॉप शिपिंग के लिए मार्केटिंग टेक्टिक्स और टिप्स और ट्रिक्स या कंप्लीट नॉलेज होगा जिसको आप फिर इम्प्लीमेंट करेंगे। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर जो की है वो मार्केटिंग है। प्रोडक्ट भी आपने उठा लिया, सप्लायर भी उठा लिया, आपने पैसे भी नहीं लगाए, और लेकिन अब प्रोडक्ट को प्रमोट तो करना है ना, कस्टमर तो लेके आने हैं, तो वो सिंपल आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी। अब किस तरह से मार्केटिंग करनी है वो आप क्या करेंगे अपने वो आप मज़ीद इसके अबाउट रिसर्च करें। तो आई होप आपको समझ आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। ये इस ट्रेनिंग का आखिरी मॉड्यूल है और इसके अंदर हम बात करेंगे, आपने कंप्लीट शॉपिफाई डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट सीख ली और ड्रॉप शिपिंग के अबाउट भी आपको बेसिक आना आइडिया है, तो अब आप क्या कर सकते हैं? तो चले लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और मज़ीद इसको देखते हैं कि आपके पास अब क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको आप एक्सप्लोर करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो उनमें सबसे टॉप जो ट्रेंडिंग चीज़ है वो है फ्रीलांसिंग। आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन कर सकते हैं और शॉपिफाई डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट की डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज दे सकते हैं। हम लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पे अगर हम चले जाएं फाइवर के ऊपर
और फाइवर पे यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ शॉपिफाई, तो यहाँ पे देखें काफ़ी सारे लोग सिर्फ शॉपिफाई की जो है सर्विसेज दे रहे हैं। मैं इनको ज़रा ओपन करके आपको दिखा दूँ। लेट्स से यहाँ पे देखें आई विल बिल्ड यूर एन ऑटोमेटेड ड्रॉप शिपिंग स्टोर, ठीक है। यहाँ पे ये क्या क्या प्रोवाइड हाईली कन्वर्टिंग ड्रॉप शिपिंग स्टोर विद 5 प्रोडक्ट ऑन बेसिक थीम, 5 एप्स, फ्री लोगो, ठीक है। इसी तरह से देखें इन्होंने अच्छे खासे ये चार्ज कर रहे हैं सिर्फ शॉपिफाई को डिज़ाइन करने के लिए, शॉपिफाई का स्टोर या डिवेल्प करने के लिए। सिमिलरली यहाँ पे देखें ये भी अच्छे खासे चार्ज कर रहे हैं स्पीड ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए, ठीक है। इसी तरह से ये कस्टम शॉपिफाई कोडिंग एंड फिक्स बग्स, इसको अगर आप नहीं करना चाहें तो ना करें। आई विल क्रिएट एन एक्सपर्ट शॉपिफाई वेबसाइट ऑन प्रीमियम शॉपिफाई स्टोर, तो यहाँ पे देखें इसी तरह से आप जो है शॉपिफाई प्रोडक्ट लिस्टिंग की सर्विस भी यहाँ पे लगा सकते हैं और अपने क्लाइंट्स को प्रोडक्ट लिस्ट करके दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें आई विल बी शॉपिफाई प्रोडक्ट लिस्टिंग एंड डाटा एंट्री वी है। अब इसका बेसिकली काम क्या होता है कि जो प्रोडक्ट लिस्टिंग्स होती हैं या शॉपिफाई वी होता है कि आपका क्लाइंट आपको हायर करता है कि उसके जो भी प्रोडक्ट्स हैं आपके शॉपिफाई स्टोर के अंदर डाल दें। सिंपल, आपको पता है किस तरह से शॉपिफाई स्टोर के अंदर प्रोडक्ट्स ऐड करने होते हैं। इसी तरह से वर्चुअल असिस्टेंट शॉपिफाई के लिए आपका स्टोर, आपका जो क्लाइंट है वो आपको डिफरेंट टास्क देता है कि आप प्रोडक्ट्स ऐड कर दो, डिलीट कर दो, या प्रोडक्ट की प्राइस चेंज कर दो, या ये ऐप इंस्टॉल कर दो, डिलीट कर दो। आपको वो टास्क परफॉर्म करने होते हैं एज़ पर योर क्लाइंट रिक्वायरमेंट, और वो आपको उसके रेलिवेंट पे करता है। तो इस तरह से काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, अगर आप अपवर्क के ऊपर भी जाएँ। अगर आप को नहीं पता कि अपवर्क पे काम किस तरह से करते हैं या फाइवर पे काम किस तरह से करते हैं, मैं ऑलरेडी पहले 2 कोर्सेज कंप्लीट डिटेल के अंदर पोस्ट कर चुका हूँ। मेरे प्रोफाइल के अंदर जाएं और उन कोर्स के अंदर आप इनरोल होना चाहते हैं तो हों, और आपको A to Z फाइवर और अपवर्क के अबाउट किस तरह से यहाँ से काम जनरेट करना है और A to Z फ्रीलांसिंग सिखाई जाएगी। तो आई होप आपको समझ आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। हमने अपना शॉपिफाई स्टोर डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट कंप्लीट कर चुके हैं A to Z। मैंने हर चीज़ें आपको बताई एक एक करके, तो आई होप आपको तमाम चीज़ें समझ आई होंगी। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, आप ज़रूर नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा। मज़ीद इस कम्प्लीट कोर्स के अबाउट जो भी आपके एक्सपीरियंस रहा आप नीचे जाके फीडबैक दे सकते हैं। उन फीडबैक्स की मदद से मैं अपने आप को मज़ीद इम्प्रूव करूँगा ताकि अगली बार आपके लिए इससे ज़्यादा अच्छा कॉन्टेंट लेके आ सकूँ, एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियंस, राइट। जो भी आपकी अप्रिशिएशंस हैं, ओपिनियंस हैं, सजेशंस हैं, वो आप कमेंट के अंदर डाल सकते हैं। मैंने आपको कंप्लीट चीज़ें बताई हैं A to Z कंप्लीट शॉपिफाई के अबाउट। इसके अलावा आपको शॉपिफाई सीखने के बाद आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके अबाउट भी मैंने डिटेल के अंदर बताया। अगर मज़ीद किसी किस्म का आप सजेशन या कुछ भी लेना चाह रहे हैं, सजेशन कुछ भी मशवरा लेना चाह रहे हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं या मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा और आपको A to Z सारी चीज़ें बताऊंगा कि किस तरह से ये सारी चीज़ें करते हैं। तो आई होप आपने ये कंप्लीट कोर्स एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और कोर्स के अंदर, डिटेल के अंदर, किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस पूरे मॉड्यूल जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसके अंदर हम बात करेंगे कुछ पॉपुलर ऐप्स की, और मैं कुछ पॉपुलर ऐप्स जो कि आपको यूजुअली मतलब बार बार यूज़ करनी पड़ सकती हैं अपने स्टोर के अंदर, तो उनके बारे में मैं बारी बारी बताऊँगा। और ऑलमोस्ट 5 से 10 ऐप्स हम कवर करेंगे और मैं उनको बताऊँगा आपको कि कौन सी ऐप मोस्ट सूटेबल है किस काम के लिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और हम पहली ऐप के बारे में बात करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे शॉपिफाई ऐप के अबाउट जो कि SEO से रेलिवेंट। तो चलें लैपटॉप स्क्रीन पे चल के देखते हैं उस ऐप के अबाउट, मज़ीद जानते हैं कि वो ऐप क्या कुछ कर सकती है। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे देखें
हमारे पास ये ऐप है प्लगइन एसईओ ऑप्टिमाइजर। इसके जरिए बेसिकली आप अपने वेब स्टोर की ऑन पेज एसईओ कर सकते हैं और अपने वेबसाइट अपने स्टोर को एसईओ ऑप्टिमाइज बना सकते हैं। ये डिफरेंट फीचर्स आपको प्रोवाइड करता है। यहाँ पे देखें कंप्लीट रिपोर्ट और कंप्लीट ऑप्टिमाइजेशन के डिटेल्स, लिंक्स के अबाउट, स्कीमा मार्कअप, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन को एसईओ ऑप्टिमाइज करता है और ये सारी फैसिलिटीज देता है जो कि एसईओ करने के लिए आपके स्टोर को रिक्वायर्ड है। ये इसके काफ़ी सारे प्लान्स हैं। यहाँ पे हमारे पास एक फ्री प्लान है जो कि बेसिक एसईओ ऑफर करता है। उसके अलावा यहाँ पे डिफरेंट प्लान्स हैं हमारे पास, $329 का, $49 का और $79 का। बट आई रिकमेंड यू टू स्टार्ट के अंदर आप फ्री ही यूज़ कर लें ट्रायल पर्पस के लिए, टेस्टिंग पर्पस के लिए। आगे जाके आपके क्लाइंट के नीड के मुताबिक आप पैकेज अपग्रेड भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये ऐप पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे ड्रॉप शिपिंग ऐप टीजर के अबाउट। तो चले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं इस ऐप में क्या क्या है। तो हम आ गए हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। तो बेसिकली ये ऐप का नाम है डीजर अली एक्सप्रेस ड्रॉप शिपिंग। बेसिकली इस ऐप के जरिए आप अली एक्सप्रेस से ड्रॉप शिपिंग के लिए प्रोडक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट अपने स्टोर के अंदर और उन स्टोर अपने स्टोर को सेल कर सकते हैं और यहीं से आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं अली एक्सप्रेस पे आपके कस्टमर को शिप करवाने के लिए। तो बेसिकली ये ड्रॉप शिपिंग के लिए ऐप है। ड्रॉप शिपिंग क्या है आगे चल के मजीद हम बात करेंगे अगर आपको नहीं पता। बट This app is most important and most useful app for those who want to do drop shipping, right? तो यहाँ पे देखें ये कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस है। यहाँ पे इसके डिफरेंट प्लान्स है। फ्री प्लान है जो कि मोर देन इनफ है। आई हैव यूज दिस वन पर्सनली। और उसके अलावा यहाँ पे जो है ये इसका एक प्लान है और ये इसका एक प्लान है। आप अपनी कन्वीनियंसी के मुताबिक अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक कोई भी प्लान यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही पॉपुलर ऐप है डीजर ऐप ड्रॉप अली एक्सप्रेस ड्रॉप शिपिंग के लिए। तो आई होप आपको ये ऐप पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे स्माइल ऐप की, जो कि एक रेफरल बेस या आप उसके ज़रिए डिफरेंट रेफरल्स या रिवार्ड्स दे सकते हैं अपने कस्टमर्स को। तो चले मज़ीद लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर जाके देखते हैं इस ऐप के अबाउट। अगर इस ऐप के अबाउट आप मज़ीद डिटेल के अंदर देखना चाहते हैं तो इन्होंने वीडियो भी अटैच की है जिसको आप देख सकते हैं। उसके अलावा ये ऐप बेसिकली यहाँ पे आप देख रहे होंगे लॉयल्टी पॉइंट्स, रिवार्ड्स, रेफरल टू रिटेन योर कस्टमर्स। बेसिकली आप डिफरेंट ऑफर्स देते हैं, डिफरेंट पॉइंट्स देते हैं। लेट्स सपोज आप एक ऑफर निकालते हैं कि अगर आपके रेफरल लिंक से दो लोगों ने बाय किया तो आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपने आपके जो रेफरल लिंक से किसी तीन लोगों ने बाय किया तो आपको $10 मिलेंगे, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, और इसी तरह से आप डिफरेंट पॉइंट्स दे सकते हैं, जिन पॉइंट्स को यूज़ करते हुए वो आपके स्टोर से चीज़ें बाय कर सकते हैं। और अगर आप इस तरह के डिफरेंट जो है वो स्कीम्स या डिफरेंट रिवार्ड्स और लॉयल्टी स्कीम्स आप निकाल सकते हैं और इस ऐप के अंदर वो सारे ऑप्शंस मौजूद हैं जो कि ये सारा कुछ आपकी करने में हेल्प करेंगे। और वो भी इंटरफेस आप जिस सिंपल इंटरफेस को यूज़ करते हुए ये सारा काम कर लेंगे। तो आई होप ये ऐप आपको पसंद आई होगी। इससे आपकी जो स्टोर है उसकी कन्वर्जन्स बढ़ जाएंगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आप अपने कस्टमर्स को कुछ बेनिफिट दे रहे हैं कि वो आपको आपके स्टोर के तरफ ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को रेफर करें या ख़ुद आके कोई चीज़ बाय करें। तो आई होप आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इस ऐप को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। अगर आप प्रिंट ऑन डिमांड का एक स्टोर डिज़ाइन करने जा रहे हैं तो ये ऐप आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ प्रिंट ऑन डिमांड का क्या मतलब है। अक्सर स्टोर आपने इस तरह से देखे होंगे कि वहाँ पे आप कस्टम अपनी टी शर्ट डिज़ाइन कर सकते हैं और उस टी शर्ट को डिज़ाइन करने के बाद ऑर्डर कर सकते हैं। आप अपनी शर्ट के ऊपर कोई लोगो लगा सकते हैं और फिर उसको ऑर्डर कर सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो इस ऐप का नाम है प्रिंटफुल। चले लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर जाके देखते हैं इसके अबाउट मजीद। तो ये बेसिकली ऐप का नाम है प्रिंटफुल, प्रिंट ऑन डिमांड। तो इसके अंदर देखें कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस है। यहाँ से देखें टी शर्ट आप इस तरह से खुद ही डिज़ाइन कर सकते हैं, मतलब आपका कस्टमर डिज़ाइन कर सकता है अपने लिए टी शर्ट और फिर ऑर्डर कर सकता है आपको और आप फिर उसी तरह का डिज़ाइन बना के उसे भेज सकते हैं। तो यहाँ पे ये कंप्लीट इसकी डिटेल्स है और यहाँ पे देखें ये ईबे, इट्से, अमेज़ॉन और स्टोर मनी
इन वी के साथ जो है वो कनेक्ट हो जाता है, और इसके डिफरेंट प्लान है, फ्री प्लान है, पेड प्लान है और ये प्रो प्लान है, तो इनको आप यूज़ कर सकते हैं। मज़ीद इसके बारे में आप जान सकते हैं इस वीडियो के अंदर, आप इस ऐप को जाके मज़ीद एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मज़ीद समझ आ जाएंगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। अगर आप अपने स्टोर के अंदर एक रेफरल प्रोग्राम सेटअप करना चाह रहे हैं तो ये ऐप आप लोगों के लिए है। तो चले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और इस ऐप के अबाउट मज़ीद जानते हैं, जिसका नाम है रेफरल कैंडी। हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, तो ये इसका नाम है रेफरल कैंडी, और ये बेसिकली आपकी हेल्प करता है कि एक एफिलिएट सिस्टम बनाने के लिए आपके स्टोर के अंदर। तो यहाँ पे देखें, जिस तरह से एफिलिएट का मतलब कि अगर आप अपने फ्रेंड को रेफर करेंगे और वो फ्रेंड हमारे स्टोर से आगे बाय करेगा तो आपको 25% डिस्काउंट मिलेगा। इसी तरह से डिफरेंट तरह के रेफरल्स आप यहाँ से डिज़ाइन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। जैसे इन्होंने कहा हुआ है रेफर फ्रेंड एंड गेट रिवार्ड 20%, 25%, जो भी आप चाहें, जिस तरह का भी आप चाहें उस तरह का आप रेफरल यहाँ से बना के अपने जो कस्टमर्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और वो मज़ीद आपके स्टोर की तरफ कस्टमर्स भेजेंगे, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सेल्स बढ़ेंगी। तो आई होप आपको ये ऐप पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे पुश नोटिफिकेशन ऐप्स की। तो बेसिकली पुश नोटिफिकेशन ऐप वो होती है कि अक्सर आप स्टोर्स के ऊपर जाते हैं और वहाँ पे होता है कि नोटिफिकेशन ऑन कर लें, अलाउ कर दें। जब वो अलाउ कर देते हैं तो आपकी तरफ उनके नोटिफिकेशन आते रहते हैं, उनके डिफरेंट प्रोडक्ट्स के, नई प्रोडक्ट्स के आपके मोबाइल के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर नोटिफिकेशन आते रहते हैं। तो वो आप अपने स्टोर के अंदर या अपने क्लाइंट के स्टोर के अंदर किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं, चले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, इसके बारे में मज़ीद जानते हैं। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, तो ये ऐप का नाम है पुश ऑल वेब पुश नोटिफिकेशंस। तो ये इसके बारे में मज़ीद जानने के लिए ये वीडियो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस नज़र आएगा हमें, ठीक है। यहाँ से आप डिफरेंट कैंपेन सेटअप कर सकते हैं, वेलकम नोटिफिकेशन, और लेट्स से अबैंडन कार्ट रिकवरी। लेट्स सपोज एक कस्टमर आया आपके पास और उसने एक प्रोडक्ट जो है वो कार्ट के अंदर ऐड की और उसके अलावा पेमेंट नहीं की और स्टोर से चला गया, तो ये जो नोटिफिकेशन वाली ऐप है ये ऑटोमेटिकली उसको नोटिफिकेशन भेज देगी हर 2 दिन के बाद, जो भी आप सेटिंग करेंगे इसके अंदर कि आपने वो प्रोडक्ट ऐड की थी, आप उसको बाय कर लें, ठीक है, समथिंग लाइक दैट, ताकि उस बंदे तक वो नोटिफिकेशन जाता रहे और वो एक नए दिन जाके उसको परचेज कर ले। तो इस तरह से यहाँ पे देखें, इस तरह से कुछ इसका इंटरफेस है। यहाँ पे देखें, ये ऑप्ट इन है, अगर मैं आपको दिखाऊँ, इस तरह से नोटिफिकेशन आएगा कस्टमर के सामने, आपके कस्टमर के सामने जो आपका स्टोर पे आएगा, इस तरह से नोटिफिकेशन आएगा। अगर वो इसको अलाउ कर देगा तो फिर इस तरह से उसके पास नोटिफिकेशन जाते रहेंगे हमारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स के, नए ऑफर्स के और समथिंग लाइक दैट, जो भी हम भेजना चाहें। तो आई होप आपको ये ऐप पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। अगर आप अपने शॉपिफाई स्टोर के अंदर किसी भी तरह के फॉर्म्स डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म या किसी और तरह की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाह रहे हैं फॉर्म्स के जरिए, तो ये ऐप आप लोगों के लिए है। चले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और इस ऐप के अबाउट मज़ीद जानते हैं। हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और इस ऐप का नाम है हेल्प फॉर्म बिल्डर, राइट। जो कि यहाँ पे देखें, इससे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके किसी भी तरह के फॉर्म्स बना सकते हैं, जिस तरह के भी आप फॉर्म्स चाहें। यहाँ पे देखें इस तरह से, और इनको डिफरेंट जो है ईमेल मार्केटिंग वाली सर्विसेज के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे मेलचिप हो गया, क्लेवियो हो गया, समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, वो फॉर्म्स बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये ऐप पसंद आई होगी। मज़ीद इस ऐप के जो है हमारे पास डिफरेंट प्लान्स हैं यहाँ पे देखें, और इस ऐप के अबाउट मज़ीद जानने के लिए यहाँ पे वीडियो अवेलेबल है, आप इसको देख के इसको मज़ीद इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने स्टोर के अंदर। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे रिव्यूज़ ऐप की। बेसिकली आपको अपने स्टोर के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स के नीचे कुछ रिव्यूज़ ऐड करने पड़ते हैं, तो वो आप मैन्युअली कैसे ऐड करेंगे, उसके लिए आपको एक ऐप रिक्वायर्ड होगी। वो ऐप है जिसका नाम है हमारे पास ए रिव्यूज़। चले लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर चल के देखते हैं इस ऐप के अबाउट। तो ये हमारे पास ऐप है ए रिव्यूज़, रिव्यूज़ इंपोर्टर। बेसिकली आप अली एक्सप्रेस, अमेजोन, कहीं से भी रिव्यूज़ इंपोर्ट कर सकते हैं अपने
जो है स्टोर के ऊपर, और वो रिव्यूज़ आपके उस प्रोडक्ट, स्पेसिफिक प्रोडक्ट के नीचे शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखें कुछ इस तरह से आपके रिव्यू शो होंगे, यहाँ पे इस तरह से देख रहे हैं आप, उनको आप इंपोर्ट कर सकते हैं डिफरेंट जगह से। और यहाँ पे हमारे पास इसके डिफरेंट प्राइसिंग प्लान्स हैं, आप देख सकते हैं। मज़ीद इस ऐप के बारे में जानने के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं और इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने स्टोर के ऊपर। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।